गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सोनी गिल जी जो हैं, वो सना को बिग बॉस 13 से पहले फॉलो करती थी, मतलब बिग बॉस 13 से पहले सना की फैन थी। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सोनी गिल जी से बात की मैंने इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि सोनी गिल एक ऐसी इकलौती फैन है हमारे लाइफ में जो सना को बिग बॉस 13 से पहले भी सपोर्ट करती थी, सोचो। और इन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई, स्टोरी नहीं है मतलब इनसे रिलेटेड है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सोनी गिल जी जो हैं, इनके एक पेशेंट थे, ये नर्स हैं, तो जो पेशेंट थी वो इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है। जो पेशेंट की मदर हैं, उन्होंने रिसेंटली इनसे कहा कि प्लीज मुझे जो शहनाज गिल की मूवी है हौसला रख, वो देखनी है। तो क्योंकि वो देख नहीं पा रही थी किसी वजह से, तो फिर मैंने किसी भी तरीके से उनको एक लिंक दी जहां से अब वो देख लेंगी मूवी। तो फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको शहनाज गिल की ये मूवी क्यों देखनी है, तो उन्होंने बताया कि जो मेरी बेटी जिसकी आप देखभाल कर रही थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, वो शहनाज गिल की बहुत बड़ी फैन है और उसने शहनाज की सारी फोटोज वगैरह कलेक्ट करके अपने मतलब घर में लगा रखी हैं। तो जब ये मुझे पता चला तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो nice. ये भी है, ऐसा लगता है कि वो, अब आगे कोई शहनाज से मिले तो उसके साथ भी शेयर करेगी। अब वो मदर क्या कहती हैं कि अब मैं सना में ही अपनी बेटी को देखती हूँ, ये मुझे वो टच कर गया। और ये रियल स्टोरी है, जो सोनी जी हैं वो नर्स हैं और वो उनकी जो पेशेंट थी जो इस दुनिया में नहीं रही, उनकी देखभाल करती थी, सोचो। वही ना, हम ना किसी से कनेक्ट होते हैं ना तो इमोशनल लेवल पे जब कनेक्ट होते हैं ना तो वो फील हो जाता है। शी इज गोइंग, मदर इज गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलरली व्हाट शहनाज इज गोइंग थ्रू, तो वो एक कनेक्शन वहां पे बैठ ही जाता है। और एक वो भी होता है ना कि आपका बच्चा किसी को इतना प्यार करता हो तो आपका भी नेचुरली प्यार बन जाता है उस चीज से, कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो अगर किसी से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा भी उनके तरफ हो जाता है इंक्लिनेशन। भाई तो पता है मैंने ना मतलब हम इतने सारे टाइम से हम जानते हैं चीजों को, सब देख रहे हैं, वी हैव नेवर सीन द लव, जैसे कि हम शहनाज से सिद्धार्थ से इतना प्यार करते हैं, किसी से नहीं कर रहे, मतलब वो कनेक्शन ही नहीं फील होता। हाँ किसी को हम मूवी में देख सकते हैं, हाँ इसने एक्टिंग अच्छी की, अच्छा ये डांस अच्छा कर रहा है, ही लुक्स गुड उस पे भी, लेकिन इट्स लाइक अलग वाली अटैचमेंट, जैसे फैमिली से होता है ना कि वी लव देम व्हाटएवर दे आर डूइंग, उस पे में वो अनकंडीशनल। वाओ सोनी जी, वेरी नाइस, आप कभी लाइव आए आपको सुनना अच्छा लगेगा। वो लाइव नहीं आ सकती, उन्होंने मुझसे शेयर किया इसीलिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। जो मदर हैं जिनकी डॉटर नहीं रही, वो इनसे कही, इनसे बोला कि प्लीज आप मेरे साथ हौसला रख देखने चलो, मुझे हौसला रख दिखा लाओ। मगर आप जानती हो ये एक वर्किंग है, उसमें नर्स है, तो ऐसे पेशेंट के साथ मतलब नहीं जा सकते, मतलब उनकी फैमिली के साथ वो हो सकता है, इसीलिए वो नहीं जा पाई। सच में बहुत ही, मुझे तो सुन के दंग रह गया, मैंने ऐसे पहले कभी किसी की ऐसी स्टोरी नहीं सुनी। ये सच में मैंने सबसे यूनिक अब तक स्टोरी सुनी, ये बताओ। वो फैन थी, इनको पता ही नहीं चला शहनाज। अच्छा उनको नहीं पता था कि ये भी उनकी फैन है। हाँ पेशेंट, जो पेशेंट के बारे में इनको पता नहीं था, फैन। जब मदर ने बताया कि मुझे हौसला रख मूवी देखनी है, इन्होंने पूछा आपको क्यों देखनी है, तो इन्होंने बताया कि मेरी जो डॉटर आप जिसकी देखभाल कर रही थी वो शहनाज की बहुत बड़ी फैन है। बताइए, अब वो मदर कहती है कि
सहनाजी को मैं अपनी बेटी मानती हूँ। बताओ क्या बीत रही होगी उन पे, मैं तो वो सोचता हूँ। ये सना को जानना चाहिए ऐसी स्टोरी। वही मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं उनमें से अगर किसी को भी अब नेक्स्ट चांस मिलता है उससे मिलने का, तो प्लीज शेयर करना ये स्टोरी। मैं जरूर बताऊंगा ये सारी चीजें, अगर मुझे मिलने का मौका मिला सना से तो आई विल शेयर विद हर एवरीथिंग। जरूर जरूर, जल्दी आएगा मौका। कितनी इमोशनल कनेक्शन है ना, मतलब मैं ऐसे कनेक्शन में ख्याल से अपनी फैमिली के अलावा किसी के साथ सोच नहीं सकती थी। एंड दिस फील सो सरियल, मतलब वो ग्रह दिल का रिश्ता जो होता है वो सबसे ज्यादा बहुत बड़ा होता है, यहाँ देख के पता चल रहा है सीरियसली वो होता है। तो यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग वेरी न्यू, वेरी डिफरेंट एंड वेरी सरियल। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जुड़े हुए जिनके पास हैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, बट वो उन्होंने अभी भी शेयर नहीं किए हैं। तो मेरे को सबको यही कहना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी आपके थॉट्स हैं या आपकी फीलिंग्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ शेयर करो लाइफ में आके। हाँ मतलब बहुत सारे लोग ना, वो जो मैंने आपको याद है जिसने वो मूवी जो वो जब भी मैट जब सिद्धार्थ मैट बनाई थी, दोस्त टू थ्री टू हाँ गर्ल्स, हाँ पता है उनकी उनकी स्टोरी भी मतलब बहुत ज्यादा वैसे बहुत इमोशनल है। तो उन्होंने ना भी किसी को खोया था अपने एक का तो शायद पापा को, एक ने किसी और मम्मा को शायद खोया था, ऐसे वो कनेक्ट हुई थी उनसे। उनके भी बहुत सारे वो चीजें हैं। हाय, कहाँ से हैं आप? दिस इज रुचि, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया अमन। वाओ, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। नो, आई एम फ्रॉम बे एरिया, सो लॉस एंजलिस इट्स द सदर्न पार्ट एंड आई एम फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट। आई एम बाय सैन सैन फ्रांसिस्को, यस, सैन होजे से। या सो बताएं आप कैसे हमारे सिडनास से लिंक हुई, पूरी स्टोरी सुनाएं अपनी। जी एक्चुअली मैं यूजुअली बिग बॉस देखती थी, बट दिस बिग बॉस 12 मैंने नहीं देखा था। बिग बॉस 11 देखा था, शिल्पा शिंदे वाला। एंड देन व्हेन दिस बिग बॉस 13 केम, मेरे हस्बैंड का नी सर्जरी हुआ था, तो फिर मैंने एक दो एपिसोड देखे थे, बट हुआ ही नहीं कभी देखना। बट फिर आई एम अ फैन आफ्टर 2 सितंबर। तो जैसे पता नहीं, मुझे कहीं से न्यूज मिली और फिर मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा। और यूजुअली ऐसा कुछ होता नहीं ना, जैसे ऐसे कुछ होता है तो फिर हम होते हैं कि चलो हाँ दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैंने बिग बॉस शिल्पा शिंदे वाला देखा था एंड देन आई थॉट कि आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड वॉचिंग, ओके। एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग ऑनलाइन, बिकॉज हमारा वो घर का चैनल सब्सक्रिप्शन भी हमने निकाल दिया था। देन आई जस्ट हुक्ड अप टू इट एंड आई एम हियर। हाँ, आप बोले रुचा हाँ नहीं, जी। वही वही बता रही हूँ कि फिर मैंने मैंने देखना चालू किया। पूरा मैंने देखा, पूरा सीजन देखा। एंड फिर यूट्यूब में आपका कहीं से तो आया कि बिकॉज प्रॉबेबली आई वॉज वॉचिंग फ्रॉम माई फोन समटाइम्स, तो फिर यूट्यूब में एक बार आपका लाइव का आया एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोज। एंड तब से मैं देख रही हूँ। और फिर अभी तो ना हैबिट हो गई है, बिकॉज अभी मैं ऑफिस आती हूँ एवरी डे, बट बिकॉज ऑफ कोरोना हमारी ऑफिस में इतने सारे अलाउड नहीं है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो मेरा आना होता है। तो बस मैं काम करती हूँ और फिर आपका लाइव सुनती हूँ एवरी डे। तो फिर आज मेरे ऑफिस में ना सिर्फ हम दो ही लोग हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट आई शुड कम एंड से थैंक टू यू, बिकॉज पता नहीं एक हैबिट सी हो गई है अभी आपका लाइव सुनना। एंड राधिका जी एंड स्नेहा जी आर लाइक फैबुलस। आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स फॉर देम, बट दे आर लाइक वो बोलते हैं ना जैसे लाइट इन अ डार्क। तो उनका जैसे रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट किया है एंड फिर जैसे जैसे उनका वो जो एपिसोड्स करते हैं ना, तो फिर मैं वो भी देखती हूँ।
तो फिर काफी कुछ समझ में आता है. बिकॉज मैंने पहली बार देखा था तो आई वॉज लिटल डिप्रेस्ड ऑल्सो, बिकॉज मैंने तो 2 सितंबर के बाद देखना चालू किया था, तो कुछ कुछ एक्सप्रेशन समझ नहीं आते थे. एंड आई वॉज लाइक कि क्यों ऐसे हुआ, एंड वाई द फेशियल एक्सप्रेशन एंड सम टॉपिक्स वर लाइक, जैसे ये ड्रेस ड्रेस का हुआ था सना का, एंड आई फेल्ट सो बैड. एंड फिर ऐसे वैसे था, बट अभी जैसे जैसे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ना, तो I'm more in love with the Sidnas than I was ever before. So yeah. So वाओ I just wanted to say thanks to you. I mean like I can understand because रात को करना इंडिया से and इतना कंटिन्यू करना, but please कंटिन्यू करना because yeah, it takes a while, हिंदी बता नहीं थोड़ा टाइम लगता है ना ऐसी सिचुएशन से बाहर आने में. मगर आप 2 सितंबर के बाद सिडनास फैन बनी हैं, तो यस आपने मुझे सब कुछ और कवर कर लिया सिडनास का 2 साल का। काफी सारा मैंने तो आपके यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, तो फिर मैं ना थोड़ा फिर मैं इतना नहीं करती बिकॉज आई आई मुझे उसमें वापस बहुत कुछ करना नहीं है बिकॉज उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं, बट बस मैं अच्छे अच्छे वाले ही देखती हूँ. फिर मैं सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल पे देखती हूँ, जैसे पुराने वाले जो आपके सारे वीडियोस थे. मैंने मैंने ना आपकी चैनल पे वो लास्ट से स्टार्ट किया देखना देखना देखना, अभी तक मैं आई थिंक जुलाई तक पहुंची हूँ सारे आपके जो जैसे जैसे आपने अपलोड किया है, तो लाइव सुनती हूँ. एंड फिर जब जब रात को टाइम मिलता है तो फिर देन आई आई गो बैक टू योर चैनल एंड देन आई स्टार्ट वाचिंग फ्रॉम द वेयर आई लेफ्ट. वाओ दैट्स अमेजिंग। वो आप चिंता न करें, धीरे धीरे आप सब कुछ जान जाएंगे, अभी आप यस न्यू होंगे। यस यस नहीं बट इसलिए मुझे कभी एक बारी तो आना ही था बिकॉज यूजुअली फिर ऑफिस में होते हैं तो सारे बाकी लोग भी होते हैं, और फिर जब हम हिंदी में बोलते हैं तो फिर उनको पता नहीं कुछ अजीब सा लगता है ना बिकॉज दे फील. तो आज कोई नहीं है तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा करती हूँ. बट या दैट्स वेरी स्वीट ऑफ। इंडिया में कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से अहमदाबाद से हूँ. ओ आप गुजराती यस हैं। आई एम गुजराती एंड अहमदाबाद से है. एक प्रीति जी भी आती हैं हमारे लाइफ में, गुजराती हैं वो भी। और प्रीति जी वो जो मुंबई से है वो, यस यस ओ आई थॉट शी वाज गुजराती हैं वो भी। मराठी. अच्छा प्रीति जी इज गुजराती. हाँ मैंने मैंने अभी उनका ही चल रहा है आई थिंक जुलाई में मैं उनका सुन रही थी, उनका और चेरी जी का. हाँ उनका एक लाइव है दोनों का साथ में, और वो लाइव अराउंड 150K व्यूज अच्छा लोगों ने सुना है। या मैं तो मेरा वही है, मुझे मुझे सारे पूरे पूरा करना है एवरीथिंग आई वांट टू. सो आई एम इन जुलाई, तो फिर अभी अभी आगे 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 सब करेंगे. बट अच्छा लगता है, आई मीन दिस इज समथिंग डिफरेंट और या बहुत अच्छा लगता है. आपका फेवरेट मोमेंट क्या है सिडनास का? बहुत सारे हैं. आई एम लाइक बिकॉज मैंने ना 2-3 बिग बॉस देखे हुए हैं और कभी इतना अटैचमेंट नहीं होता ना किसी से जैसे बट पता नहीं उनका कुछ अलग ही था. मुझे कभी कभी लगता है ना कि दे बोथ आर फॉर अ पर्पस. लाइक एक होता है ना कि अंदर से ऐसे फील होता है ना कि कुछ पर्पस के लिए, जैसे कभी कभी स्कूल में अपने टीचर होते हैं ना, मुझे ऐसे फील होता था कि हाँ ये सम पर्टिकुलर. मेरे एक दो टीचर ऐसे थे कि मैं उनको कभी नहीं भूल सकती, लाइक बिकॉज वो उनकी बातें उनका सीन मुझे ऐसे याद रखता है. तो फिर जब ये वाला बिग बॉस देखा ना तो आई वॉज लाइक दीज टू आर फॉर अ पर्पज, बिकॉज ऐसे किसी पैर को देख के आपको इतना प्यार नहीं हो जाता ना लाइक. और फिर उन मुझे ना ये राधा कृष्ण की जोड़ी जैसे लगता है कि कैसे भी आप देख लो बट एक एक अलग सा रहता है उनको देखने में. तो बहुत सारे मेरे मोमेंट्स है लाइक फर्स्ट पैचअप, सारे पैचअप्स बेसिकली, बिकॉज पैचअप्स वर लाइक ऐसे रियल में भी किसी के साथ इतने पैचअप तो नहीं होते होंगे जो डिफरेंट तरीके के उनके पैचअप्स थे ना. एवरी पैचअप वाज लाइक डिफरेंट, यू यू कांट इवन थिंक ऑफ इट.
बिकॉज सना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज उसमें ईगो नहीं है, बिकॉज आई एम अ मैरिड पर्सन एंड मुझे पता है कि जब लड़ाई वड़ाई होती है तो कितना रहता है ना दिमाग में. मेरा तो 2-3 दिन तक चलता रहता है. अगर मैं खाना भी पका रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, तो मेरा पूरा गुस्सा उस पर निकलता है एंड आई एम लाइक 24/7 इनटू दैट. और कहीं ना कहीं ईगो हो ही रहती है. अगर पैचअप हो भी जाता है तो फिर नेक्स्ट मोमेंट पे मैं इतनी हैप्पी नहीं रह सकती. फिर मेरा पैचअप होने के बाद भी मेरा 1-2 दिन लगता है नॉर्मल सी में आने में. तो मुझे लास्ट वाला पैचअप भी बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज कितना कुछ हुआ था ना वो वीक में, लाइक स्पाइडर वीक में, और कितना कुछ बोला गया था. एंड फिर 1 मिनट में शी वॉज सो हैप्पी. एंड मैं सोच रही थी यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है. शी वॉज लाइक शी फॉरगॉट एवरीथिंग एंड शी वॉज सो हैप्पी. एंड फिर वो जो काउच पे वो लोग बैठे थे, वो ना वो जो पर्पल वाला, और फिर जब टास्क का अनाउंसमेंट हुआ था एंड देन एंड शी हग हिम एंड देन किस हिम एंड आई एम लाइक सही है यार, वी शुड लर्न दैट. एक बार हो गया हो गया, अभी और भी 2-3 दिन मत खींचो, यू जस्ट बी योर सेल्फ अगेन बैक. तो यस, मुझे मेरे सारे पैचअप्स ना आर माई बेस्ट मोमेंट, और मैंने बहुत सीखा है, बहुत सीखा है. एवरी पैचअप, एवरी एवरी पैचअप आफ्टर अ फाइट आई हैव लर्न समथिंग. वाह, आफ्टर 2 सितंबर आपने इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, दैट्स अमेजिंग. लगता नहीं आप न्यू मैं फ्रेंड बनी वही हो. बिकॉज मेरा कोई आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी बडी इन बॉलीवुड. मुझे एक सोनाली बेंद्रे अच्छी लगती थी बहुत पहले. जैसे कोई मुझे पूछे ना कि एज ए हीरोइन आपको कौन अच्छी लगती है, तो आई वुड ऑलवेज से सोनाली बेंद्रे. मेरे कोई हीरो अच्छे थे ही नहीं, बिकॉज किन के फेवरेट होते हैं ना, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन एंड ऑल. तो पता नहीं इतना अटैचमेंट कभी हुआ ही नहीं किसी से, बिकॉज कुछ लर्निंग नहीं था ना उनमें से, और प्योर. तो इसीलिए मुझे कुछ मैजिकल लगता है. तो फिर मुझे लगता है कि दीज टू पीपल आर लाइक गॉड सेंट मे बी. ये तो है, भगवान ने उनको मिलाया या है. तो आपने उनका फर्स्ट लाइव देखा? आ हाँ आप हाँ देखा था वो पिंक ड्रेस वाला ना, पिंक एंड या 1 अगस्त? हाँ डेट मुझे याद नहीं है, बट हाँ मैंने 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 देखा. थोड़े थोड़े क्लिप्स के उससे देखा. आई थिंक देयर 3 पार्ट्स में कुछ कहीं देखा था मैंने फेसबुक पे या कहीं पे. या देखा था फर्स्ट लाइव भी देखा आप था. देखें सभी कुछ, आप बहुत खुश होंगी. ओ या नहीं, मैं बहुत अभी तो बहुत हूँ, बिकॉज होता है ना, बिकॉज मैं तो वही से एसोसिएट करती हूँ. जैसे कोरोना में भी काफी लोग का फैमिली डिस्टर्ब हो गया ना, बिकॉज मेरे आई नो माई क्लासमेट डाइड एंड देन बहुत कुछ हुआ ना ये 2 साल में कोरोना में, एंड उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, बट एवरीबडी इज बैक. और हमारा भी पता नहीं है ना, वी डोंट नो. सबको तो कभी ना कभी वो है ही, तो वही है. इसीलिए मुझे लगता है कि दे आर गॉड सेंट, बिकॉज उनकी कंट्रोवर्सीज भी सेम हुई थी, देन दे गॉट टू बिग बॉस. और फिर अगर मुझे कभी कभी वही लगता है कि ना एवरीथिंग हैज हैपेंड फॉर अ रीजन. मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है पीछे की बातें क्या होगी क्या नहीं, बट व्हाट आई फील इज कि जैसे शहनाज ने अगर एमएस के साइन नहीं किया होता, तो मुझे लगता है कि वो पंजाब तो चली गई होगी ना, बिकॉज फिर मुंबई में एटलीस्ट थोड़े दिन होटल में रहती, बट फिर उसको रेंट करना पड़ता अपार्टमेंट एंड टाइम लगता है ना ये सारी चीजों में. तो इनिशियली मुझे लगता है कि आफ्टर बिग बॉस 13 थोड़े बहुत इंटरव्यू और वो करके वो पंजाब चली गई होती, फिर लॉकडाउन हो गया तो वो वापस भी नहीं आ सकती होगी. तो देन फिर वो साथ में भी नहीं रह सकते होंगे. एंड या सो मुझे लगता है कि वो भी चीज एक रीजन से हुई, बिकॉज जब मैंने एमएस का सुना, जैसे मैं लास्ट लास्ट एपिसोड्स देख रही थी, और फिर मैंने एक राधिका जी का रिकॉर्डिंग भी सुना था कि
लास्ट लास्ट के डेज में एमएसके का कुछ प्रोमो आया था एंड एवरीबडी वाज वेरी अपसेट विद दैट. तो मुझे लगा कि हाँ टेम्पररी अपसेट हुआ होगा, बट एमएसके नहीं होता तो फिर ये दोनों साथ में भी नहीं होते. पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एमएसके वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, राइट? बट डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो मिला वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दे कुड स्टे टुगेदर. और जैसे कोविड में ना, आपको आ रही है मेरी आवाज? यस आ रही है। हाँ, जैसे कोविड में ना, जैसे वो लॉकडाउन हुआ ना, तो एवरीबडी हैड द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ. लाइक सबके लिए, किसी को भी आप पूछ लो, एवरीबडी सेड दैट दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. जैसे हम घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में ही रहना है, एंड इतना टाइम हमने फैमिली के साथ कभी स्पेंड नहीं किया, कभी, मतलब कभी नहीं, और ऐसा कभी होगा भी नहीं. यू नो, लाइक दिस कैन नेवर बी द केस. लाइक सैटरडे संडे साथ में रह लो, मंडे टू फ्राइडे सब लोग वर्क पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बट दैट 2 months, आई वुड से अप्रैल मई वाला ना, इंडिया में फिर जून से थोड़ा थोड़ा फिर भी लोग बाहर जाते थे. देन आई एम लाइक, इसीलिए एमएसके साइन किया था और इसीलिए शहनाज को बॉम्बे में ही रुकना था, एंड दीज गाइज मस्ट हैव हैड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम. तो कभी कभी ये तो जो 2 महीने और फिर उसके बाद तो डेफिनेटली दे गेट बैक टू द वर्क एंड फिर थोड़ा बहुत बिजी हो गए होंगे, बट पता नहीं, उनको उनको मिल गया अपना टाइम. तो या दैट वाज फॉर अ रीजन एज वेल. तो मुझे वो अच्छा लगता है. अभी मैं जैसे सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, चलो एटलीस्ट दे हैड द बेस्ट ऑफ द 2 years दैट एनीबडी कुड हैव. अच्छा बोल रही हो आप, मगर वो इंडिविजुअली भी होते तब भी हम उन्हें उतना ही प्यार करते। बस आपने एक लाइन बोली ना, सिड अकेला होता तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं, वो थोड़ा लगा। फर्क पड़ता नहीं, डेफिनेटली सीधा, बट जर्नी डिफरेंट हो जाती. मे बी फर्क तो पड़ता ना, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट गाय. बिकॉज अगर अकेले भी होता तो उसका तो अलग से ही होता, वो तो ही इज अ गॉड, ही वॉज अ गॉड सेंट. बट उन दोनों का मुझे लगता है कि दे आर डिफरेंट. आप क्या बोलती हो नवनीत जी? एंड ऐसा आपने इनकी बातें सुनी रुचा जी की, आप बोलें। नवनीत बोलो आप. मैं थोड़ी सी ना इमोशनल हो गई इनकी बातें सुन के. तो ओ रियली सॉरी. नहीं, आप आजकल बोलो, बाद में बोलूंगी. आजकल तो हर चीज इमोशनल कर रही है, आप सॉरी मत बोलो. पता मैंने ना कहीं पढ़ा था कि हमारी जिंदगी में जो भी आता है एक ना एक लेसन लेके आता है, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ दिखाने के लिए आता है. तो मेरे को ना इनको देख के वो चीज आई रियलाइज कि यस, ये लोग आए हैं हमें बहुत कुछ सिखा दिया, प्यार कैसा होता है, फ्रेंडशिप कैसी होती है, अपनी फैमिली कैसे देखना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे हारना नहीं है किसी चीज से. तो मतलब क्योंकि इस 2 साल में हमने जितनी चीजें खोई हैं कोविड के टाइम पे, आई गेस हमें कहीं सीखने को नहीं मिलती. शायद हम सब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिखर जाते हैं, पेरेंट न्यू देम, अगर उनकी स्टोरी ना पता होती तो. यस आप सही कह रही थी, कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो आते हैं जैसे गॉड सेंट. ना हमारे ना हदीस में होता लिखा है कि देयर गॉड के मैसेंजर्स हैं हमारे बीच में, उन्होंने भेजे हुए हैं. तो मुझे ये वो लगता है कि बहुत जगह ही है, मतलब मेरे को तो पर्सनली बहुत जगह जहाँ जहाँ जब भी मैं लो हुई हूँ या मैंने होप खोई है, तो आई हैव लुक्ड अप टू देम. सो यस दे हैव बीन अ गाइडिंग फोर्स. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में गाइडिंग फोर्स की तरह है. वॉट टू एक्सपेक्ट इन लव, वॉट टू गिव इन लव, अपनी करियर को कैसे रखना है, अपनी फैमिली को, बहुत सारी चीजें हैं. यस, आई ट्रूली फील दैट. एंड
या द जर्नी वॉज लाइक सो अमेजिंग बिकॉज ऐसा कभी देखा नहीं है ना, लाइक एवरी पर्सन हैज ईगो, तो वही वही हो जाता है, जैसे थोड़ा भी ईगो आ जाता है ना तो प्योर जो होता है ना वो नहीं दिखता. दैट्स व्हाट आई फील लाइक, बिकॉज मेरे में भी है. मैं अगर झगड़ा कर लूँ किसी से तो मेरे इतना जल्दी मेरे से जाता नहीं है. इसीलिए मैंने बोला ना, पैचअप के बाद आई कांट बी फ्रेश, फिर भी मेरा 1-2 दिन लगता ही है. तो मुझे नहीं, वो बहुत ना वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. आपके लिए आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार ज्यादा मैटर करता है, आपकी लड़ाई है, आपका ईगो. तो दैट्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है कि लोगों के लिए, लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट देन देयर ईगो. इसलिए बहुत इट्स लाइक आई फील लाइक दे बोथ लव ईच अदर. लाइक अगर वी कांट वे देम राइट, एक का दूसरे से, दूसरे का एक से, बट या आई जस्ट लव देम. एंड मुझे एक सीन वो भी पता नहीं, मैंने कहीं पे अनसीन पे देखा था. जैसे उनका वो वाला जो जेलेसी टास्क वाला हुआ था ना, तो फिर उस सिचुएशन को मैं इसी से रिलेट कर सकती हूँ. तो एक अनसीन था, पता नहीं, शहनाज ना वो रश्मि से बात कर रही थी. तो रश्मि ने उसको पूछा कि तुम क्यों रात को चली आई, बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग इन द बाथरूम एरिया ना 2 दिन से, वो पिंक आफ्टर वाले. ब्रेकअप. हाँ नहीं, आफ्टर जेलेसी टास्क. हाँ हाँ भाई. हाँ, तो रश्मि ने उसको पूछा कि तुम रात को, फिर देन शी केम बैक इन मिडल ऑफ द नाइट, है ना, वो पिंक वाला उसने पहना था. तो फिर रश्मि ने उसको पूछा कि तुम क्यों चले आए. देन शी सेड दैट कि मुझे ऐसे लगा कि सिद्धार्थ आया वहां पे, मैंने उसको देखा बिकॉज वो दरवाजे पे खड़ा था. रश्मि ने बोला नहीं, वो नहीं आया था, वो तो सो रहा था. आई मीन एवरीबडी वॉज स्लीपिंग बिकॉज इट वॉज लाइक मे बी 2-3 बज गए होंगे, पता नहीं. देन शी सेड नहीं, वो आया था. एंड फिर मैं डर गई, इसलिए मैं वापस आ गई. देन आई फील लाइक कि शी हैज दैट इंस्टिंक्ट, यू नो. तो तो उसको लगा होगा, एंड अभी मुझे लगता है उसको वही लगता होगा बिकॉज उसके आसपास ही रहेगा वो. और वो बात आपने बिल्कुल सही कही जो सोल कनेक्शन वाली, क्योंकि उनका एक मतलब एक होता है ना जो सोल्स हमें इस वर्ल्ड में मिलती हैं, जिनसे हमारा कनेक्शन होता है ना, वो फर्स्ट उनकी फर्स्ट मीटिंग में ही पता चल रहा था कि क्योंकि वो day 1 से उन्होंने कनेक्ट किया है. ये नहीं है कि उनका विद टाइम या ग्रेजुअली उनकी दोस्ती बनी है, या किसी टास्क के चक्कर में उनकी दोस्ती बनी है, या टीम में बन गए तो दोस्ती, ऐसा नहीं था. उनका फर्स्ट डे से ही बॉन्ड उनका मतलब जैसे कनेक्ट नहीं हो, हमें एकदम से एक कनेक्शन फील करते हैं किसी के साथ, तो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वो फील किया था. हाँ, वही वही, बिकॉज इट वॉज नॉट एन एफर्ट टू बी पुट, इट वॉज वेरी वेरी नेचुरल. एंड आप हिंदी बोलें, हाँ सॉरी. बहुत अच्छा बोल रही हैं आप. आप इंग्लिश बोलेंगी तो काफी लोगों को दिक्कत होगी, नहीं, मैं क्योंकि वही हमने बोल रही हूँ सिद्धार्थ कि बहुत नेचुरल है ये चीज. बहुत बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसे लगता था कि शहनाज को ना कहीं ये जो सब लोग बोलते थे ना, एज एंड बड़ा है तुमसे, तो वो चीजें उसके दिमाग में तो होंगी ना. बिकॉज जैसे जैसे कोई आप कोई है, और जैसे अगर मैं होती उसकी जगह पे तो वो रहता है, बट वो दिमाग से होता है, ब्रेन से होता है ना, बट उसने दिल से उसको पसंद किया. एंड दिल से जब चीजें होती है ना तो आपको पता नहीं चलता, बट हो जाती है बेसिकली. तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत नेचुरल लाइक, और उन दोनों को भी पता नहीं होगा कि ऐसे कुछ होगा. एंड तो मुझे लगता है कि ऐसा होना ना, इट इज वेरी वेरी अनकॉमन, बहुत अनकॉमन होता है. बिकॉज जैसे हम कॉलेज में भी थे, तो अगर हाँ कोई पसंद आ गया तो पहले लुक्स पे होता है, फिर ऐसे, माने कुछ ना कुछ ब्रेन और दिल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. बट उनका मुझे लगता है ना कि ब्रेन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ दिल का कॉम्बिनेशन था. आई मीन ओनली इट वॉज हार्ट दैट दे फेल फॉर इच अदर, और इसीलिए इट्स अ सोलमेट, और वो हमेशा रहेगा. तो आप ब्रह्मा का कुमारी की वीडियोस देखते हो?
आपने फॉलो किया है? नहीं मैं ना फिर नहीं, मैंने इतना नहीं देखा. मुझे थोड़ा बहुत पहले पहले ऐसा था मुझे कि ये जो ओ आई हैव टू टेक वन कॉल, आई एम सॉरी. तो है ना, ये जो सोलमेट्स वाली बात होती है ना, ये मतलब इट्स नॉट कि हमने पढ़ी है या फिर ये एक्चुअली में मतलब हर रिलीजन में कही गई है, हमारे में भी है कि सोलमेट्स होते हैं, कि वी हैव मेट दोस सोल्स बिफोर वी वर बॉर्न हियर. तो वो हर किसी में होती है, सिर्फ एक ही में नहीं है. तो वो ब्रह्मा कुमारी इसमें भी दिस कि जो भी हमारी जिंदगी में आता है ना, हर लाइफ में उससे हम पहले मिले होते हैं. तो वो कनेक्शन, कोई कुछ लोग हमारी जिंदगी में पॉजिटिव लेके आते हैं, कुछ नेगेटिव लेके आते हैं. अगर किसी ने हमें हर्ट किया है तो मतलब हमने उसे अपनी प्रीवियस लाइफ में हर्ट जरूर किया होगा, और वो कार्मिक बैलेंस रह गया है. और किसी के साथ हमारा अचानक से कनेक्शन बन जाता होता है तो मतलब उसके साथ हमारी बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जुड़ी हुई होती है. तो इनका वो सीन था जिसने ये सब चीजें पढ़ी है, देखी है, सुनी है ना, दिल रियलाइज इट. रुचा जी सही जो हैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से अपनी बातें रख रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में रुचा जी को. बट थोड़ा हिंदी ज्यादा भाषा का अच्छा. नहीं प्रयोग नहीं करें. नहीं हिंदी 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 नहीं, मैं मुझे कब हाँ नहीं, ये एक ही बार निकलती है सारी चीजें, और क्या मुझे लगता है इसलिए गाइस, रुचा जी को सर्टिफिकेट देना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं. नहीं, बिकॉज ऐसा कभी देखा नहीं है ना, सबको वही लगता है. मैंने नहीं देखा बिकॉज पता नहीं, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना दीज डेज, लाइक हम बहुत प्रैक्टिकल है, तो इतना प्योर कभी देखने को नहीं मिलता. एग्जैक्टली मतलब यही तो, मतलब मैं ना बहुत सारी नॉवल, मैं उनमें से जो बहुत नॉवल फिक्शन पढ़ती हूँ बहुत. तो आई यूज टू बी लाइक यार ये मतलब मेरे को याद है, मेरी फेवरेट ना ट्वाइलाइट है. एंड ट्वाइलाइट में ना इट्स लाइक कि जो बेला है शी फील्स हिम. तो ना फिर जब मैंने शहनाज को भी देखा ना, शहनाज वाज टू लाइक सेम, मतलब यार ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन बी समवन, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी पिक्चर स्टोरी सामने है मेरे. हाँ सही तो बात है, सही है, ऐसे नहीं होता. इट इज हाँ एग्जैक्टली मतलब इट वॉज सेम टू वो पर्सनल स्टोरी मेरे सामने, एंड इट यूज टू मतलब वही. अच्छा माई गॉड, वहां से रियलाइज होता है कि एग्जैक्टली मतलब प्यार तो है, प्योर लव तो है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपका ईगो, आपकी लड़ाई, आपका जो भी है, या फिर आपके रिश्ते, आपका प्यार, वो इम्पोर्टेंट है. तो यस यस और उनका तो सही में बहुत बहुत है, और आई थिंक दे विल बी टुगेदर फॉर लाइक एवरी लाइफ, मुझे वही लगता है, बिकॉज एक अलग ही कनेक्शन है, और वो तो रिपीट होता रहेगा उनका. फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट जो वो सोल का रहता है ना, वो रहता है. इसलिए मुझे लगता है कि इवन दो ही इज नॉट हियर बट ही इज विथ हर, उसको मुझे लगता है कि शी शुड बी फीलिंग हिम लाइक एवरी मोमेंट, द हर 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 एक मोमेंट पे उसको फील करेंगे, बिकॉज ये डिफरेंट है ना, हम जैसे लोग वो नहीं समझ पाएंगे, वो उसके पास होगा. यार उसका दिल बहुत बड़ा है, मतलब शी कैन फील, उसको कितने इंट्यूशन, उसको जब भी उसके साथ कुछ बुरा होने वाला होता था उसको फील हो जाता था. हाँ, एंड और उसके इंट्यूशंस. दीज काइंड ऑफ पीपल आर सो प्योर, एंड दे आर सो प्योर, तो उनको हर चीज फील होती है. मतलब पता नहीं, आई रेड समवेयर या मैंने कुछ पढ़ा था कि दे फील, मतलब है ना जैसे वो लाइक जो गुरु जी एंड वो सब होते हैं ना, दे फील लिबरेटेड, उनको पता चला था इनके पास कोई है एंड ऑल सच थिंग. शी इज वन ऑफ द काइंड्स. मैं बहुत ज्ञानी हो रही हूँ, सॉरी सेम फॉर हियर, इट, मेरे को लेकिन इतना वो उसमें नहीं जाना था, बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये सारी चीजें, बिकॉज व्हेन आई वाज वेरी ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने तो 2 सितंबर के बाद बिग बॉस देखा, तो फिर वही चीज दिमाग में रहती है ना, तो जितने जितने एपिसोड्स आप देखते हो, तो फिर आपका एक अलग से आप देखते हो, फिर उससे बाहर निकलना, तो फिर मैंने ये सब सारी चीजें सोची, जैसे MSK एंड फिर कोरोना एंड देन फिर, तो फिर अभी आई एम वेरी वेरी इन अ स्टेबल माइंड कि हाँ होता तो सबके साथ है, बिकॉज हमारा भी नहीं पता ना कि आज है कल नहीं है, लाइक नॉर्मल इसी में, जैसे
कुछ भी हो सकता है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है, जैसे प्लेन ट्रैवल कर रहे हो. मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ में आप 10% तो रिस्क लेके चलते ही चलते हो. बट सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू लीव लाइक जो है आज के दिन में यू शुड बी सेटिस्फाइड व्हेन यू गो टू स्लीप कि हाँ अभी तक का अच्छा है. तो फिर जैसे उनका भी रहता था ना, झगड़ा वगड़ा भी हो जाता था एंड देवर बैक, वो नॉर्मल में आ जाते थे दूसरे दिन. तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक बहुत कुछ सीखा, बहुत बहुत कुछ सीखा. वाह, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स रुचा जी. थैंक यू. बट हाँ, बट अभी 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 आई थिंक एवरीवन शुड बी, आई मीन सब तो होंगे ही होंगे, बट मैं थोड़ा ज्यादा ही थी अंदर. बट अभी मैंने आई एम आउट ऑफ इट. आप बोलो. मैं बस सुन रही थी रुचा जी को. बहुत अच्छा बोल रहे हो आप. रियली सॉरी, बट जो मेरे दिल में था आज मैंने बोल दिया, कि वही था कि कैसे हुआ एंड हाउ आई एम राइट नाउ, और बस वही था. और ये इनकी ना, मतलब कि जो कहते हैं ना कि एक अपनी टाइमिंग होती है यूनिवर्स की, वो बिल्कुल यस. सही चीज है. क्योंकि इससे पहले सिद्धार्थ को कितनी बार बिग बॉस ऑफर हुआ था, उसने नहीं लिया. लेने को वो 2018 में भी ले सकता था, मतलब 12 वाला सीजन भी ले सकता था, क्योंकि उस टाइम पे वो नहीं कर रहा था किसी प्रोजेक्ट को. तो बट क्योंकि उसने आना ही 13 में था, क्योंकि शहनाज को उसने वही मिलना था. तो ये यूनिवर्स की टाइमिंग होती होती है. कई बार हम कहते हैं ना कि हम 5 मिनट से या 10 मिनट से या 1 मिनट से भी हम निकल गए या हम किसी से मिल नहीं पाए, बट वो जो जब किसी से मिलना होता है तो हम मिल ही लेते हैं, चाहे हमारे बाकी दूसरे 10 काम क्यों ना खराब हो जाएं. बट अगर हमने किसी से मिलना है तो वो हम एक काम ही क्यों ना हमारा बन रहा हो तो उसी से मिलना है फिर हमने. वही मिलना होता है. और मैं, मुझे तो लगता है कि ये दोनों का पूरा चलेगा, लाइक एवरी एवरी लाइफ्स दे विल बी टुगेदर. क्योंकि सोल्स वही, जैसे इनकी सोल ने इस बर्थ में अपने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया, या यूनिवर्स ने जैसे भी मिलाया, तो वो हर लाइफ में हो. अगर ऐसा कुछ होता है तो, मतलब आई वी डोंट हाँ. नो कि डेथ के बाद कोई दूसरी दुनिया होती है कि नहीं होती है. क्योंकि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उस वो स्टोरी पढ़ने के बाद ना मेरा एक थोड़ा वर्ल्ड को लेके या यूनिवर्स को लेके थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था. तो अगर आफ्टर डेथ भी अगर कोई लाइफ होती है कि हमने ये क्रॉस करके वहां जाना है, तो मतलब मे बी वो उसके लिए उस जगह को तैयार कर रहा हो, या यू नो मतलब कैसे बोलूं मैं, मतलब कि वो रेडी कर रहा हो उस प्लेस को, उस चीज के लिए. तो वो हाँ हमें हाँ नहीं हाँ पता कि अब नेक्स्ट लाइफ होगी या इसके बाद कोई नेक्स्ट फेज है. तो बट ये है कि जो कनेक्शन है वो हमेशा ही रहेगा. हाँ रहेगा रहेगा. और इसीलिए थोड़ा बहुत छूट जाता है, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि पिछले जन्म का कुछ बाकी रहा होगा, दैट्स व्हाई वी आर हियर अगेन. तो उनका भी थोड़ा कुछ बाकी रह गया होगा, तो फिर इसीलिए फिर नेक्स्ट में करना पड़ेगा ना, तो फिर वापस नेक्स्ट में. बट मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बाकी, बिकॉज व्हाट आई सी दैट 2 years ऑफ देयर टुगेदरनेस, कई कईयों को ना पूरे पूरी जिंदगी लग जाती है. जैसे बट उनके लिए व्हाट एवर टाइम दे स्पेंड, एंड स्पेशली मुझे लगता है कोरोना वाज अ ब्लेसिंग टू देम, जैसे यू नो 24/7 टुगेदर. तो अगर MS के ना होता, मे बी हाँ, वो अपना खुद का फ्लैट ले चुकी होती तब तक मुंबई होती में. होती क्योंकि एक डेफिनेटली. रिलेशनशिप का भी स्टेजेस आते हैं ना, कि तुम कब, मतलब अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ओपनली नहीं बोलना चाहती, फिर भी कि एक स्टेजेस होते हैं रिलेशनशिप के भी, तुम कैसे कैसे मतलब कि आगे आगे बढ़ते हो. तो मे बी बिल्कुल बिग बॉस से निकलने के बाद वो इतना नहीं सोचते अपने रिलेशनशिप को लेके, वो अपना फ्लैट ले लेती, वो उसमें रहने लग जाती, फिर लॉकडाउन लग जाता, वो आपस में भी मिल नहीं पाते मे बी सेम सिटी में होने के बाद भी. बट वो उसी टाइम लॉकडाउन लगना था, MSK बंद हुआ, उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा. तो सब यूनिवर्स की टाइमिंग होती है.
एग्जैक्टली मुझे तो एमएस के बहुत, बिकॉज मैंने जब मैंने बोला ना, मैंने जैसे पढ़ जैसे लास्ट लास्ट पे था तो फिर एमएस के, तो मुझे पहले वही हुआ कि कैसे एमएस के उसने साइन कर लिया, बिकॉज अल्टीमेटली वो तो शादी वाला ही कुछ तो कंसेप्ट होगा ना, उसको पता होगा थोड़ा बहुत, बट मुझे लगता है अगर साइन नहीं किया होता तो फिर ये नहीं होता. तो जैसे देर वॉज अ शॉक, बट उसके बाद का तो ऑफकोर्स बहुत एज आई सेड कि वो टाइम उनके लिए बहुत 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 प्रीशियस रहा होगा, और शायद शहनाज के पास जितनी भी मेमोरीज होंगी वही टाइम की होंगी ना, बिकॉज फिर दोनों बिजी हो गए अपने प्रोजेक्ट्स, तो फिर नॉर्मल वाली लाइफ चल जाती है ना, जैसे अभी हमारा हो गया कि हाँ चलो पहले तो अभी बिकॉज हम वापस ऑफिस में आ गए, अभी स्कूल स्टार्ट हो गए तो फिर वापस से वही उसमें आ गए हम लोग, बट दैट लॉकडाउन का टाइम तो कभी नहीं भूलेंगे. कैसे 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 करते थे ना घर में, पहले तो रोज खाना बनाओ बिकॉज होटल से आ नहीं सकता. राइट. और मेरे को तो मतलब नॉट फॉर देम ओनली, हर किसी के लिए फील होता है कि जो लोग लॉकडाउन में रहे हैं एक घर में, उनके रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव कर चुके हैं, कि अगर उन्होंने इतना टाइम साथ में स्पेंड कर लिया है, हाँ तो क्योंकि वो घर से मेमोरी बाहर जाना नहीं, एक दूसरे के साथ ही रहना है. और उस टाइम पे इतना थोड़ा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, क्योंकि कोई शूटिंग नहीं हो रही थी किसी चीज की, जो लोग ज्यादा मतलब कि टीवी वगैरह भी देखते थे, तो एक लोगों फैमिली ने एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, तो वो हर किसी का अगर रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे गया है तो उनका तो फॉर श्योर गया ही होगा ना. फॉर श्योर गया होगा, और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड, और जो भी मेमोरीज होंगी मुझे लगता है वही मेमोरीज है दैट मेक्स हर स्ट्रांग, बिकॉज किसी के साथ थोड़े टाइम रहना एंड किसी के साथ टोटल जो भी इंडिया में तो आई थिंक 2 महीने था ना, जैसे आप बाहर नहीं निकल सकते, दैट 24/7 मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस देन कंपेयर टू द नॉर्मल अपना जो होता है ना. वैसे बिग बॉस में वो दोनों साथ में थे बट बाकी लोग भी बहुत थे तो खुल के बात नहीं कर पाते थे, कैमरास होते थे, बट मुझे लगता है कि उनका जो ये जो मिनी बिग बॉस हुआ होगा ना उनके घर पे तो मुझे लगता है कि एमएस के वॉज अ ब्लेसिंग फॉर देम. मुझे लगता है कि अगर एमएस के नहीं हुआ होता ना तो डेफिनेटली शहनाज पंजाब में होती या फिर मुंबई में कहीं पे और रहती होंगी, तो फिर अगर अलग रह रही है तो भाई के साथ, भाई भी उनका यहाँ पे होता ना, बिकॉज ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ेंगे उनको, या कोई ना कोई होता, तो फिर उन दोनों को साथ में रहना तो बनता ही नहीं था. तो फिर तो मुझे लगता है उनकी उनकी लाइफ में जो 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 भी हुआ ना अभी तक का, दैट वॉज फॉर अ रीजन, और हाँ इसीलिए दे आर डिफरेंट. उनका पहले लगता है हम बहुत दुखी होते हैं बट फिर उसके बाद का हमें पता नहीं चलता ना, तो अभी भी वैसे ही है कि शहनाज बहुत ऊपर जाएगी बट हम फ्यूचर देख नहीं सकते ना कि कैसे कैसे. वही तो, अगर बंदे को फ्यूचर ही पता चल जाए फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाए ना. तो वही लाइफ वही तो है, कैसे कैसे नेक्स्ट पेज अनफोल्ड होता है, वही हाँ इसी में और तो वही सारा वो है. अच्छे वाले पेज अनफोल्ड होंगे बिकॉज हमने देखा है पहले वो होता है फिर उसके बाद वो होता है, तो फिर या इट विल बी ऑल गुड. राइट. अब कितने प्लान फ्यूचर के हमने भी सोचे थे मतलब उनको लेके, तो बट वही है ना कि हमें नहीं पता कि कल कैसा दिन हमारी लाइफ में आएगा, तो जो अब है उसी को एंजॉय करो और उसी के लिए ग्रेटफुल फील करो. और हमने हमारा मुझे वैसे लगता है कि हमारा मटेरियलिस्टिक थिंकिंग रहता है ना समटाइम्स कि उनकी शादी देख लो, बट उनका डिफरेंट रहता है ना, दे वर वेरी कंटेंट विथ ईच अदर, उनको फर्क नहीं राइट. पड़ता होगा कि शादी करेंगे नहीं करेंगे बिकॉज उनका एक अलग ही कनेक्शन था. और मतलब कि कहने के लिए शादी क्या है, एक लेबल ही तो मिलता है किसी रिलेशनशिप को. अगर तुम मतलब बेसिकली शादी एक रिलेशनशिप तो वही होता है ना, प्यार तो होना चाहिए, वो प्यार तो था ही उनमें. तो मतलब मेरे लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए उनकी शादी दुनिया को दिखाने के लिए हुई या नहीं हुई, बट मेरे लिए वो हस्बैंड वाइफ वाली फील मतलब एक को फील हाँ देते हैं वो. वो तो है ही, पक्का पक्का पक्का. और मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि जैसे कोरोना में दो लोग साथ में इतना झगड़ा करते होंगे, उसकी उनकी मम्मी की हालत क्या होती होगी, बिकॉज अच्छा लगता है ना. तो तीनों ने मुझे लगता है बहुत बहुत ब्लास्ट किया होगा, बहुत बहुत.
इसीलिए अभी उनका भी तभी इसीलिए तो उनका बॉन्ड इतना तभी तो ग्रो हुआ है, क्योंकि आजकल हाँ जैसे हम देखते हैं कि कोई मतलब आम लोग ही नहीं अपने पेरेंट्स के साथ रहते, सेलिब्रिटी तो बहुत दूर की बात है, वो तो अभी शादी की हाँ प्लानिंग कर रहे होते हैं और पहले ही नया घर ले लेते हैं कि हम शादी के बाद वहां शिफ्ट होंगे. तो मतलब कि सेलिब्रिटीज होके भी, इतनी पब्लिक फिगर होके भी, अब अपने पेरेंट के साथ मतलब रहना बहुत बड़ी बात होती है, और वो मतलब कि कोरोना वाले टाइम पे रहे, तभी तो उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग हुआ है. हाँ वही वही तो मुझे तो लगता है कोरोना शायद उनके लिए ही भगवान ने भेजा होगा। नहीं जोक्स मतलब अपार्ट जब जब बट ऐसे बिग उन बॉस चल रहा था, तब हमने कभी सोचा था कि ऐसा टाइम भी आएगा कि हाँ वही तो ना कि ऐसे कभी सब कुछ होगा। बंद हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा, कि तब तो हम ये और टेंशन में रहते थे कि वो बाहर जाके कॉल करेगा कि नहीं करेगा. एग्जैक्टली मुझे बिकॉज मैंने तो 2 सितंबर के बाद देखा, तो मुझे तो वो था ना कि वो लोग साथ रह रहे, तो मुझे उतना इंटेंसिटी नहीं आता था जैसे अभी सब लोग डिकोडिंग करते हैं ना कि वो लास्ट वाला जब ब्रेकडाउन हुआ था सिद्धार्थ का, वो बहुत डर गया था कि क्या हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे और फिर उसको तो वही था, उसको पता था कि शहनाज इज बहुत पॉपुलैरिटी बिकॉज वो ना इंडस्ट्री में था, तो उसको पता चल जाता है ना जैसे मीडिया वाले भी बात करते हैं एंड ऑल, बट शायद शहनाज को नहीं पता था कि उसकी उतनी पॉपुलैरिटी, तो उसको तो पता ही था कि ये तो बाहर जाएगी तो उसको बहुत प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, फिर वो बिजी हो जाएंगी एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल उसमें आ जाएंगे, तो पता नहीं ऐसे होगा या नहीं होगा, बट उनको नहीं पता था कि कुछ आने वाला है जैसे आपको एक छोटा सा बिग बॉस अपने घर में ही बनाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा बोल रही हो आप रुचा जी। विद्या जी आप सुन रही हो रुचा जी को? हाँ हाय थैंक रुचा, यू। हाय नवीन. यस मैं अभी लास्ट 10-15 आपकी वॉइस मिनट्स. बहुत लो आ रही है, प्लीज ठीक करिए। हेलो, इज इट बेटर नाउ? नो 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 आई एम ऑन द कार्स ब्लूटूथ, तो शायद इसलिए थोड़ा सा ठीक नहीं है. अभी कहीं बेटर? या लाउड बोलें थोड़ा। अच्छा, इन दैट केस अमन, अगर ऐसे ही चल रहा होगा ना 1 मिनट तक डिस्टरबेंस, तो मुझे निकाल देना, मैं घर पहुंच के आई विल ज्वाइन. ठीक है. या हाँ रुचा जी बोलें आप, बहुत ही अच्छा नहीं डीप बातें कर रही हैं आप, अच्छी बातें कर रही हैं। मैं इतनी डीप नहीं हूँ, बट मुझे वही मैंने बोला ना कि अंदर से वो नहीं, बट हाँ वही वही कि पॉजिटिविटी के लिए ये सब मैंने सोचा एंड देन आई फेल्ट लाइक कि हाँ वही अच्छा है। तो या हाँ हमारे दादी पूछूं? हाँ मुझे हाँ, आई डोंट नो, अमन यूजुअली अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपका फेवरेट सिद्धार्थ मोमेंट क्या था, तो वो तो पूछ लिया होगा, इसलिए मैं वो नहीं पूछूंगी. यस सुन के लगता है कि आप चीजों से काफी इंस्पिरेशन लेती हैं, तो मैं पूछूंगी, आपने सिद्धार्थ या फिर स्पेशली कंसिडरिंग यू नो दिस हफ्ता सिद्धार्थ का स्पेशल वीक, सो सिद्धार्थ से क्या सीखा आपने? कौन सा वीक? आई एम सॉरी नहीं, आई मीन यू नो मतलब वी आर डेडिकेटिंग अ लॉट ऑफ आवर टॉपिक्स टू सिद्धार्थ, और बर्थडे का यू नो हैंगओवर चल रहा है, सो इफ नॉट सिद्धार्थ, इफ यू वांट टू शेयर स्पेसिफिकली इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम लाइक व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट सिद्धार्थ, और इफ यू वांट यू कैन टेल अस अबाउट सिद्धार्थ. नहीं मैंने मैंने वही बोला, मुझे मुझे बहुत लाइक सीखने को मिला, मुझे सीखने को मिला सिद्धार्थ से, तो वही मुझे दोनों का वही लगा कि ईगो बिकॉज बिकॉज मेरे में है थोड़ा, इसीलिए मुझे लगा कि मैंने बोला ना जैसे मेरा किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए, जैसे मेरे हस्बैंड के साथ ही हो जाए, फिर शॉर्ट आउट भी हो जाए, फिर भी मेरा 2 दिन चलता है, मैं नॉर्मल सी मैं जल्दी नहीं आती मेरा 1 दिन तो फिर भी चलता है कि हाँ फिर जाके कुछ नॉर्मल सी में आएगा, जैसे मैं खाना नहीं बनाऊंगी 2रे दिन, फिर भी इतना थोड़ा अकड़ में रहती हूँ, और फिर थोड़ा बहुत, फिर मुझे लगता है मुझे 24-48 आवर्स लगते हैं वापस आने में जैसे पहले था, फिर 3रे दिन मुझे याद भी नहीं रहता कि इस बात पे हुआ था। बट मुझे सिद्धार्थ का भी वही लगा कि ही इज सच हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन, और मुझे स्पाइडर भी इसीलिए बहुत पसंद है कि आई आई अगर
वो नहीं होता ना स्पाइडर वीक, तो उसका नहीं पता चलता कि ये बंदा भी इतना यू नो ही इज टू सॉफ्ट व्हेन इट कम्स टू हिज ओन पीपल. जैसे तो उसने जैसे शहनाज को जाके मनाया, तो वही से पता चलता है ना कि बाहर से आप कैसे भी हो, कितना भी एटीट्यूड है, ये है वो है, बट व्हेन इट कम्स टू द स्पेशल पीपल तो आप सारा लेट गो कर लो. उसको भी लगा होगा ना कि जाने दो, बिकॉज अभी तो वो शायद जनवरी एंड में ही था, राइट, जैसे मैंने देख रही थी तब, तो मुझे लगा अभी 15 दिन तो बाकी है ना, बाहर जाके सारा शॉर्ट आउट कर लेंगे ना, उसमें क्या इतना है. तो फिर वो अपने ईगो में रह सकता था, वो नॉर्मल बात भी कर सकता था जैसे वो रश्मि के साथ करता था कि चलो कॉर्डियल बन जाओ. तो मुझे लगा कि तब तो मुझे पता था, बिकॉज मैंने तो 2 सितंबर के बाद बिग बॉस देखा, और मेरा वो रहता है ना जैसे नॉवल में मैं पहले ना लास्ट पेज पढ़ लेती हूँ कि अच्छा क्या होने वाला है एंड में. तो मुझे पता था कि शॉर्ट आउट मुझे पता था कि मैं ना थोड़े थोड़े फटाफट फटाफट मैं जिस दिन शॉर्ट आउट हुआ था ना वो एपिसोड मैंने पहले देख लिया था, फिर मैंने फाइट वीक जाके देखा था. और मैं वही तो, बिकॉज वो बड़ी चालाक निकली. तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं उस टाइम पे देख रही होती और अगर उसकी जगह पे मैं होती शायद, तो हम जैसे एक मैंने बोला ना मटेरियलिस्टिक थिंकिंग भी होता है ना कि चलो कोई बात नहीं यार, अभी 15 दिन ही बाकी रह गए, थोड़ा बहुत कॉर्डियल पे हो जाते हैं, मनाना वनाना छोड़ दे, बिकॉज थोड़ा वैसे बातचीत करेंगे, वैसे 15 दिन के बाद तो बाहर ही निकल रहे हैं, तो फिर बाद में शॉर्ट आउट कर देंगे, है ना, वो ऐसे सोच सकता था. बट उसने ऐसे किया नहीं ना, तो फिर दैट क्वालिटी आई लाइक द मोस्ट. लाइक उसने नहीं किया, वो ही कितनी 4 बार मनाने गया, हाँ 4 वो वाले एपिसोड में तो यस यस, एंड उसके बाद भी कितना कुछ हुआ होगा ना जो हमें नहीं दिखाया. तो कौन करता है ना ऐसे, बिकॉज कितना प्राइवेट पर्सन है, कितने कैमराज है, ही इज ऑलवेज बीन सो केयरफुल, बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रू लव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. जैसे आप बाकी लाइक उसका वही था ना कि दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं वही हूँ, और तो आई जस्ट लव दैट क्वालिटी, बिकॉज 15 दिन के लिए तो कर सकता था. अमेजिंग एक्सप्लेनेशन. क्या कहते हैं, हमारे साथ राधिका जी भी लाइव सुन रही हैं. मैं राधिका जी से पूछना चाहूंगा, राधिका जी आपकी अब तबीयत कैसी है, आप कमेंट में बता दें मुझे, और अगर आप फ्री हैं तो हम आपको ज्वाइन करेंगे. और स्नेहा जी भी लाइव सुन रही हैं. हाँ तो हम आप मुझे निकाल सकते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट मैं तो ऑफिस में ही हूँ. तो फिर अरे नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आप अभी बोलो, मैं जाती हूँ. और राधिका जी से पूछो, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप रोको. हाँ, हमें लोग सुन के बोर हो चुके हैं, हम रोज यही. मेरा भी फर्स्ट डे है तो अच्छा है, बट वैसे कुछ नहीं होगा. राधिका जी ने कमेंट किया, आई एम हियर टू लिसन ओनली. तबीयत कैसी है राधिका जी आपकी? अब तबीयत बता दीजिए, तबीयत कैसी है आपकी? रुचा जी, आप 2 सितंबर के बाद न्यू फैन बनी है सेटनास की, मगर आपने बहुत ही अच्छा कवर किया है. बिकॉज फिर मैंने कुछ देखा ही नहीं ना 2 सितंबर के बाद. मैं यहीं पे हूँ और मैं यही सारी चीजें देख रही हूँ. बट हाँ, मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आई जैसे लोग बोलते हैं ना कि जैसे वो लोग जब BB13 चल रहा था जब तब देख रहे थे, तो आई मिस दैट. और मुझे लगा कि मैंने क्यों नहीं देखा तब, तो देखना चाहिए था बिकॉज तब बट पता नहीं. बताओ, मगर आपने अच्छा कर लिया है जितना आपने अभी बोला. जैसे कि सिद्धार्थ की जो क्वालिटी बताई वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की आपने, बहुत अच्छा लगा सुनने में. आज आपने जैसे वीडियो देखी, आपको कैसी लगी जो वीडियो आई है? हाँ, मैंने वो वाली वीडियो देखी, या अच्छे लग रहे हैं. आई थिंक दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेट नॉर्मल, बट साथ में अच्छा लगता है ना उनको देखना. और वही होता है ना, लाइक मुझे वही है कि अल्टीमेटली कुछ मैटर नहीं करता व्हेन यू हैव योर ओन पीपल अराउंड.
या पता तो हम सबको है पहले से, मगर देखा सभी ने, थोड़ा अच्छा लगा सभी को, और बहुत ही शांति भी है आज, सभी के सुकून सा मिला है लोगों को, मगर सबको पता था सच। आपने उसके बाद MSK भी देखा पूरा, राइट रुचा जी? लॉट्स लॉट्स ऑफ लक टू यू राधिका जी, टेक केयर, वी मिस यू इन लाइफ। जल्दी ठीक हो जाए हमारी राधिका जी। मैं भी लगाऊंगा सेकंड डोज दिसंबर में, मेरी तो सेकंड ही नहीं लगी है। विद्या जी आपने लगवा ली? हाँ मेरा भी बूस्टर शॉट हो चुका है। और तीन? हाँ तीन, मतलब मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम J&J वन शॉट लगवाया था, सो टेक्निकली ये मेरा बूस्टर है, बट दिस इज माय सेकंड शॉट। इस बार मैंने फाइजर का लगवाया। नाइस। और हाँ आपको कैसी लगी आज की वीडियो जो आई है? अच्छी लगी यार, ऑब्वियसली मतलब ये हम जानते थे कि ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, सब साथ में है एक दूसरे के एंड दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, बट या वो जैसे तुमने कहा मन सुकून वाली फीलिंग कि दे ऑल लुक स्ट्रांग एंड दैट यू नो एंड देयर फॉर ईच अदर लाइक वी न्यू एंड या मैं बस यही हंस रही थी कि पक्का नीतू दी लेट करा रही होंगी और फोन चेक कर रहे हैं कि पता तो करो कहाँ पर है नीतू, आई क्यों नहीं अभी तक। सो इट इज अच्छा लगा, लाइक एग्जैक्टली लाइक यू सेड, इट वाज अ सुकून टाइप फीलिंग देख के। राधिका जी का कहना है वीडियो नहीं रैम्बो था, रैम्बो। बट यार ये ना हम लोगों जैसे राधिका जी ने कहा जितने भी रेनबो ऊपर से अभी सिद्धार्थ करा रहा है और जब वो यहाँ यू नो फिजिकली था तब करता था, इट इज कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ लोगों को, वो फिर भी उतने ही बेशरम रहेंगे। सो यू नो इट्स जस्ट कि हम बस हंस सकते हैं उनपे और कुछ नहीं। एंड ये यू नो वन ऑफ दोज हैप्पी टीयर्स, खुशी के आंसू टाइप फीलिंग थी ना, मुझे सच में सुबह जब देखा था तो बिल्कुल ऐसे लगा था यार व्हाट अ स्टार्ट टू द डे, और हैप्पी टीयर्स टाइप लग रहा था मुझे देख के। या रुचा जी कह रही हैं सॉरी अमन एक कॉल आ गया, आई हैड टू ड्रॉप। रुचा जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात रखी और आपको सुना, आप न्यू फैन हो ऐसा लगा नहीं, ऐसा लगा आप तो काफी टाइम से फैन हो। अगर गाइज आप लोगों को रुचा जी की बातें पसंद आई तो कमेंट में रुचा जी के लिए जरूर बताएं कि उनको आपकी बातें, आपको उनकी बातें कैसी लगी। अच्छा बोली, नवनीत तो कह रही है वो इमोशनल हो गई। मैं शुरू सुनूंगी, मैंने मिस किया था, मैं ऑफिस से लेट बाहर निकली, सो मैं जब तुम अपलोड करोगे मैं स्टार्टिंग वाला फिर से सुनूंगी। राधिका जी ने बूस्टर एंड फ्लू बोथ गॉट एट द सेम टाइम, दैट्स व्हाई थोड़ा सा फीलिंग नॉट गुड बट सून सी विल बी गुड। या इट डिपेंड्स, काफी लोगों को लाइक जस्ट मेरे फ्रेंड्स में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जिनका थर्ड फाइजर लगा है, लॉट ऑफ देम हैव रिएक्टेड मोर सिवियरली पहले दो शॉट्स के कंपैरिजन में। सो आई होप राधिका जी यू फील बेटर वेरी सून। या देखते हैं रिक्वेस्ट सेंड करके अगर वो फिर ये ज्वाइन करना चाहें। ओके बहुत अच्छा बोला है स्नेहा जी, ऐड होना चाहती हैं तो आ गई राधिका जी तो। हेलो, 5 मिनट के लिए आई। हेलो, हाय राधिका। हेलो राधिका, मैंने सोचा इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हाय हाय नवनीत, हाय विद्या, हाय आर यू फीलिंग नाउ? आई जस्ट वांटेड टू से हाय, मच बेटर मच बेटर मच मच बेटर, अच्छी नींद लगी कल, एक दिन सिक लीव क्या ले लिया, आज काम पे बैंड बज गई, बट इट्स गुड,
काम पे भी आना इज अ गुड थिंग, नॉर्मल चीजें करना इज अ गुड थिंग. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर विशेस, थैंक यू, आई फील द लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैं बस 2 मिनट के लिए, मेरे अभी मेरी एक कॉल है 15 मिनट के लिए, फिर आप लोग कंटिन्यू करो. आई जस्ट केम टू से हे, मैंने देखा स्लॉट ओपन है तो मैंने अमन को बोला कि ऐड करो. या हाय स्नेहा, अरे आप स्लॉट के लिए आप बोला करो, हम स्लॉट बना देंगे. अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, नहीं प्लीज, नहीं नहीं, सुनना अच्छा लगता है यार. तो आई मिस जो रुचा जी ने कहा, मैंने मिस किया, तो शायद अगर वक्त मिला तो मैं यूट्यूब पे सुनूंगी डेफिनेटली. अच्छा है नए फैंस जुड़ रहे हैं, इट्स गुड. या आफ्टर 2 सितंबर बनी है वो न्यू फैन. अच्छा गुड गुड. हाँ अगर कॉल के बाद अगर अमन लाइव है तो मैं आई जॉइन फॉर सम टाइम. उसमें क्या है या स्नेहा, मच आई फील अलाइव टुडे. मतलब बहुत थकन हो गई थी कल, बट या आई एम मच बेटर, इट्स गुड. हाँ वीडियो तो यार, वीडियो मुझे ये SNIT भी जब करते थे लास्ट ईयर तब भी उसका कोई जरूरत नहीं लगता था. पता नहीं क्यों लोग ऐसे वो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, SNIT के पीछे पागल हो रहे हैं लोग, पता ही है उसमें व्हाट्स द बिग डील. बट अभी क्या होता है ना, ऐसे चीजें आने से जो हेटर्स है, मैं सोलोज भी नहीं बोलूंगी, जो हेटर्स है ना अपने आप को सोलो फैन बुलाते हैं, लेकिन उन्हीं के उनके आइडल का जो दिल के इतने करीब है, उनको ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं, तो मुझे वो फैन नहीं, फैन कम हिटर ज्यादा लगते हैं. तो ये ऐसे लोग जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके मुंह पे ताले पड़ जाएंगे, अभी उनमें अकल आ जाएगी, इनको अभी तक अकल नहीं आएगी, तो मेरे को उम्मीद भी नहीं है इनको आगे अकल आएगी. ठीक है, तो आई फील लाइक अभी ये जो करेंगे ना, होपफुली इनके जो फॉलोअर्स है वो भी देखेंगे, होपफुली द फॉलोअर्स विल सी कि ये लोग कितने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हेट को. मतलब जिस जो नहीं है वो चीज को पैदा करने की या वो चीज को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं. होपफुली इट विल रिड्यूस द स्प्रेड. कल ही ये मैं रेनबो इसलिए बोल रही थी क्योंकि कल ही कोई बोल रहा था कि ये प्राइवेट फैमिली है, अभी शहनाज को समझ में आ जाना चाहिए उसके कौन है ये कौन है. लाइक अबे तुम लोग हो, तुम लोग यहाँ पे कीबोर्ड वॉरियर्स बन के क्या बकवासे कर रहे हो, तुम लोग यहाँ बैठ के अपने आप को बड़ा फैन समझते हो, उसको आ जानी चाहिए, अकल आ जानी चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए, ये प्राइवेट फैमिली रहेगी. यार तुम लोग शहनाज को आइडल मानते हो या शहनाज को बेवकूफ मानते हो, मतलब एक चीज बताओ. तो यू गाइज व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, योर एक तो यू हैव ऑलरेडी प्रूवन यू गाइज आर फूलिश एंड नॉनसेंसिकल. उसके चलते आप शहनाज को भी वही प्रूव कर रहे हो विथ योर स्टूपिड ट्वीट्स. सो इट्स लाइक समटाइम्स पीपल हेट में इतना वन ट्रैक माइंड हो जाता है. यहाँ पे वो लोग सलाह दे रहे हैं शहनाज को, इट्स लाइक तुम लोग ही कितने लेम, योर हद से ज्यादा लेम हो तुम लोग, हद से ज्यादा नॉनसेंसिकल बन रहे हो अभी. एंड अपने आप को बड़ा ये, ओ मैं आई एम एन एग्जीक्यूटिव एंड आई एम दिस एंड आई एम दिस एंड दैट एंड मेरे को पूरे लॉजिक्स पता है और ये पता है और ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं. आई एम लाइक ज्योग्राफी एजुकेशन डजंट मैटर, आपको कितने लैंग्वेजेस आती है इट डजंट मैटर. अगर आपके पास दिल और दिमाग काम नहीं करते हैं तो आप कहीं से भी हो, आप कुछ भी हो, आप USA के प्रेसिडेंट हो, इट डजंट मैटर. इट डजंट मैटर व्हेन यू नो
आपका टाइटल क्या है, आप कितना क्या है, कितने बड़े वो हो, कितने बड़े ये हो, हु केयर्स, जब आप अपने आइडल को ही हेट ला रहे हो और आपके आइडल को विदाउट सेइंग इट यू आर सेइंग शी यू नो शी डजंट नो व्हाट शी इज डूइंग. उन्होंने सिद्धार्थ के लिए भी यही कहा था, ये सिद्धार्थ के लेवल की नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना. आई एम लाइक, तुम एक तो ऑब्वियसली दे नो देयर नोबडी, वी नो देयर नोबडी टू टेल अबाउट एनीबडी स्टेटस, बट फिर ये लोग इनडायरेक्टली, इन माय माइंड डायरेक्टली, उनके आइडल को बोल रहे हैं कि यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर फूलिश. तो मतलब यार, तुम लोग फैंस हो या क्या हो, मतलब इतने अपने ईगो में इतने डूबे हुए हो कि तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है तुम लोग एग्जैक्टली होश में हो या नहीं हो ऐसे. सो इट्स जस्ट सो स्टूपिड द वे दे डू दैट. तो उनके लिए ये रेनबो था. अभी इसके आगे ये लोग जो करेंगे और बोलेंगे कि ओ शहनाज को ये करना चाहिए, शहनाज को वो करना चाहिए, शहनाज को हमें फोन करना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए कि आगे की कौन सी प्रोजेक्ट लें, हम बोलेंगे हम लोग झंडे उड़ा रहे हैं उसके लिए, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग दान दे रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं. मतलब इसमें देखो आपका कितना स्वार्थ छिपा है. मतलब आप लोग क्या करने की कोशिश, क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? अगर आप प्यार करते हो उसको अनकंडीशनल सपोर्ट करो, उसको अनकंडीशनल प्यार दो, उस वो जो कर रही है उसको वो करो. तुम लोग अपना ही कैंपेनिंग कर रहे हो, आप खुद के लिए वोटे मांग रहे हो, तुम लोग कर क्या रहे हो? अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो ऑनलाइन और अपना वो कर रहे हो, आप अपने खुद के चैनल चलवा रहे हो. मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सो वो दिख जाता है कौन फैंस है और कौन अपना फायदा उठा रहा है और कौन जेन्युइनली कर रहा है, राइट? सो जेन्युइन प्यार दिखता है और वो उसको भी दिख रहा है. शहनाज बहुत डूड, ये मास्टरमाइंड्स ऐसे ही नहीं है. ये लोग मास्टरमाइंड सिर्फ घर के अंदर नहीं है, मास्टरमाइंड ये लोग घर के बाहर भी है और ये लोगों को सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन किस लिए कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, कौन फैन है, कौन हेटर है. अगर ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स बने हैं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, उनको लगता है कि एकदम कूल और सैविज ट्वीट्स डाल रहे हैं, भाई इन्होंने बिग बॉस को ही बिग बॉस खिलवाया है ये दोनों ने, तो तुम लोग को, हम लोग कुछ भी नहीं है इनके सामने, ठीक है? सो बड़ा अपने आप को तोप मत समझो और चुपचाप फैन हो तो फैन जैसे रहो, उनको सपोर्ट करो. ये ज्यादा तोप बनने की चीज कोशिश मत करो, वरना ऐसे ही रेनबो बनते रहेंगे आगे भी. हमें तो मजा आ रहा है रेनबो देख के, हमें अच्छा लगा. बट एनीवे, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से अबाउट दैट वीडियो. इट्स जस्ट स्टूपिड एट दिस पॉइंट दैट वो हेटरेड के जो अकाउंट्स है, जो हेटर्स के अकाउंट्स है अभी, वो इट्स इनका ओपिनियन वैसे भी मैटर नहीं करता था 2 साल पहले, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं. इनको जितनी एंगेजमेंट दो वो लोग उतना चढ़ते हैं, उनको भाव मत दो, दे डोंट मैटर इन योर लाइफ. दे वो लोग 1 साल पहले थे भी नहीं, तो आपको क्या मैटर करता है कौन है वो, आप लोग मिले नहीं हो उनसे, क्या फर्क कर, हु केयर्स. सो जस्ट स्क्रू दैट, इसको सपोर्ट करो, शहनाज को सपोर्ट करो, दैट्स इट. ये क्या, ऐसे हजार लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हैंडल्स बदलते रहेंगे, जहां से जिनको पैसा मिलेगा वो लोग हेट करते रहेंगे, थोड़ा ना हम उनके पीछे पीछे जाके उनको प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, जो है वो है. स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, सूरज आता है दिन में, या दिन होता है जब सूरज आता है, रात होती है तो मून आता है, शहनाज और सिद्धार्थ साथ है और खुश है, मतलब दैट इज इट, दैट इज द रियलिटी ऑफ इट. सो इसमें इतना सबको जाके प्रूव करके ये करके क्या क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है. डोंट वेस्ट योर एनर्जी. ओह माय गॉड, थैंक्स.
कितना साइकोलॉजिकल एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सही में समझ आता है बहुत सारा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट. No problem. Thank you for watching. Oh yes. I am channel. Like totally hooked up to it. Main wahi because last abhi start kiya hai na, to main to khana banane ke time pe bhi mere AirPods mere kaan mein rehte hain, khana khate ke time pe hote hain, office mein bhi rehte hain jab meeting nahi hoti. Mujhe lagta hai ek do mahine ke baad mujhe na मैंने बिग बॉस देखे है एकदम. नो मतलब दोनों में से. आई वुड से दोनों बिकॉज मैं तो कंप्लीट पैकेज के साथ ही जाऊंगी सो दोनों. ओके okay. What I feel is that ki aman ne to nahi dono ek dusre ko complete karte hai na because jo qualities to main nahi bol sakti because bahut sari hai but like ye thoda usme hai to fir complete ho jata hai. Okay. Cool. So sweet, Rucha ji. Bahut thank you. Cute ho aap. Aise hi hamare Sidnas ko support karo aur hamare saath of course Sidnas ki journey mein shamil ho jao. And it's nice ki aap matlab कनेक्ट हो रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज कई लोग सिर्फ जो दिखाया गया उसी से चलते अपने ओपिनियंस बना लेते हैं है ना. ये आपको मतलब हम लोग ये इस वजह से नहीं कर रहे कि लोगों का ओपिनियन चेंज हो. बस यही है हमारा एफर्ट इज और होप इज दैट आप चैनल के अकॉर्डिंग ना देखे ये शो, एक फैन के थ्रू देखे एंड सी दैट सही बात है बिकॉज चैनल अपना पैसा बना रहा है, अपना मतलब निकाल रहा है हमेशा. उनको क्या पड़ी है किसकी इमेज कैसी दिख रही है, बस उनको उनका पैसा मिलना चाहिए, उनको उनके स्पॉन्सर्स के पैसे निकलने चाहिए, उनका वो गोल होता है. तो फैन के आंखों से थोड़ी ना वो दिखाएंगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता. तो नहीं सही बात है एग्जैक्टली हमने देखा. गो अहेड सॉरी. नहीं आई मीन एग्जैक्टली बिकॉज मैंने जब देखा था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला ना कि मैं बहुत इम्पल्सिव भी होती थी. तो मैं काफी मैं पहले के एपिसोड लाइक लास्ट के एपिसोड मैंने पहले देख लिए थे कि हो क्या रहा है यू नो बेसिकली एट दी एंड. तब जाके मैं आगे के तो इतना कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे एंड आफ्टर लिसनिंग योर रिकॉर्डिंग लाइक मैं ऐसे ही नॉर्मली जैसे स्क्रीन पे हम देख लेते हैं ना जैसे क्या हो रहा है, अच्छा ये आ गया थोड़ा थोड़ा पता चलता था कि यहाँ पे सीन कट हुआ है एंड इमोशनली भी कभी कभी सोचते हैं बट लॉजिकली कभी नहीं देखा वो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था. फिर अभी देख रही हूँ देन आई गेट टू नो दैट यू नो अच्छा ऐसे भी हुआ था एंड दिस इज फीलिंग आती थी कभी कभी कि नहीं जैसे अब्दुल्ला की मुझे कभी कभी फीलिंग आती थी बट द नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे सीन आ जाता था ना देन आई एम लाइक नहीं यार शी इज गुड करके यू नो. जैसे एक एग्जांपल है हाँ, जैसे आपने बताया था ना जो फर्स्ट पैचअप वाला था तो उसने रात को जो फर्स्ट पैचअप का फर्स्ट वाला सॉरी बिफोर द वीकेंड का वार
है ना? हाँ, पता है, पता है। हाँ, हाँ, हाँ. हाँ, तो उसने उसको रात को बोला था कि जा उसको बोल के सॉरी बोल दे, तो मुझे लगा कि अरे आई मीन शी इज सपोर्टिंग। फिर आपका रिकॉर्डिंग सुना तब पता चला कि लाइट्स बंद हो गई थी और सिद्धार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसको कोई आके डिस्टर्ब करे, एंड उसको पता था कि ये बंदा रिएक्ट करेगा और वैसे ही हुआ, बेसिकली ही रिएक्टेड, बट उसने इतनी नींद में था और उसको तो लगा होगा कि शायद ये चिल्ला भी लेगा, यू नो। तो अब जाके समझ में आता है कि अच्छा ऐसा था। गुड गुड। तो फिर अच्छा लगता है। तो अभी मैं सेकंड टाइम, वैसे तो मैंने काफी काफी एपिसोड जो अच्छे अच्छे वाले थे वो देख लिए, बट अभी पूरा देख रही हूँ, एंड इट्स अ लेसन फॉर लाइफ, है ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, लेसन फॉर लाइफ, बॉर्न फॉर लाइफ, सब कुछ। जैसे मैंने तो नहीं पढ़ी, मेरी मम्मी करती है वो गीता पाठ एंड ऑल, जिसमें कृष्ण ने बोला हुआ होता है ना सारा, तो फिर उसपे से वो हम लाइफ के लेसन्स लेकर चलते हैं ना। तो फॉर मी तो दिस इज गीता इन अ वे, इन अ वे लाइफ लेसन्स, ऑफ कोर्स, एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, एंड थोड़ी रिलेटेबिलिटी होती है बिकॉज ये 21st century में हुआ है। गीता ऐसा लगता है कि कोई संस्कृत ट्रांसलेट करने को चाहिए, कोई ट्रांसलेट करने वाला चाहिए, राइट? बिकॉज वो इतना डीप होता है। बट दिस इज मोर लाइक यू नो 21st century रेलेवेंट। एग्जैक्टली, सही बात है, और सो रियल ना, बिकॉज कैमरास है, एंड मुझे तो सिर्फ ये दोनों ही रियल लग रहे हैं अभी जैसे जैसे डिकोडिंग चल रहा है, बिकॉज एवरी वन वॉज अंडर द स्क्रीन समवेयर। नहीं, रियल मतलब सभी लोग रियल थे, एवरीबडी वॉज रियल, इट्स जस्ट दैट उनकी रियलिटी हमें अच्छी नहीं लगी, सिर्फ ये दोनों की रियलिटी हमें अच्छी लगी, कोई कोई प्रिटेंड नहीं कर रहा था, एवरीबडी वॉज रियल। जो अब्दुल्ला थी वो वैसी ही है, वो वैसी ही लोगों का फायदा उठाती है, वो गेम के लिए अलग नहीं कर रही थी, एवरीबडी वॉज रियल। कभी कभी हम रियल होना एक लाइक पॉजिटिव सोचते हैं, बट रियल रियल होता है, अभी लाइक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अभी मोमो रियल थी वहां पे। नहीं, बट जैसे कभी कभी कोई सिचुएशन में, जैसे वो प्रिटेंड तो नहीं बोलती, जैसे ये जो पैनिक अटैक का भी आपने बताया कि पैनिक अटैक में खाना वाना खा के, फिर मैंने वो एपिसोड भी देखा था, फिर उनका वो दिल से दिल तक का भी कुछ एक सॉन्ग शूट कर रहे थे, तो वहां पे भी वो थी ना उधर, और उसके बाद फिर पैनिक अटैक, तो आई थिंक दैट पोर्शन, लाइक सम पोर्शंस दे डू इट फॉर सिंपथी, और फिर जैसे कैमरा वैमेरा के लिए, और ऐसे ही होता है दैट रियल लाइफ में। एग्जैक्टली, बट दैट इज आल्सो रियल, बिकॉज़ वो कैसे झूठ झूठ का यू नो प्रिटेंड करते हैं, कुछ एक उनका एक अलग वो दिखाने के लिए कि भाई नहीं नहीं नहीं, हम एक्चुअल में ऐसे नहीं है, हम एक्चुअल में कितने अच्छे हैं, तो ये इनकी पूरी रियलिटी है, दिस इज हाउ दे आर। सिचुएशन के हिसाब से वो लोग प्रिटेंड करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने रंग बदलते हैं, वो उनकी रियलिटी है। अभी ऐसे हो गया कि उनकी रियलिटी और सिद्धार्थ और शहनाज की रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क था, सो यस, और रहेगा, बट ओके, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों का डिस्कशन। एक एक राधिका जी हैं जिन्होंने जब BB13 टेलीकास्ट हो रहा था तब देखा था, और एक रुचा जी हैं जिन्होंने आफ्टर 2 September ज्वाइन किया है, और आप देखें मिक्स करके मैंने देखा है, बिकॉज मैंने बताया ना, मैं पहले पहले के एपिसोड जैसे स्पाइडर वीक था तो मैंने पहले पैचअप देख लिया था, फिर मैंने जाके स्पाइडर वीक देखा था। सिडनास फैन बनने के लिए आपको सीक्वेंस करना पड़ेगा जो हमने रोया है। एग्जैक्टली, हम जो तड़पे हैं आपको भी तड़पना पड़ेगा, दैट इज पार्ट ऑफ, वो क्या बोलते हैं,
वो होता है ना ऑन लाइक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है, आप कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आपको थोड़ा वो इंडक्शन जो प्रोसेस होता है आपको उससे गुजरना पड़ेगा. एग्जैक्टली. फैंस इतने अभी ढीट और कट्टर हो गए ना कि अभी चाहे कुछ भी बोले किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टियर्स, द स्लीपलेस नाइट्स एंड द पेन. Then you'll be called a Sidnazian. Right. मैं seriously मैं miss कर रही हूँ. और मेरे पास ना वो सही time था because November December था ना, October November December, तो हमारा थोड़ा slow भी चलता है. तो I only thing that I regret is not watching when it was aired. Yeah. And मैं अभी देखती हूँ तो I'm like कि यार क्या feeling होती होगी ना, because वैसे मुझे Big Boss पसंद है, but इतना नहीं. मैंने Big Boss 12 देखा था, मुझे शिल्पा शिंदे वाला, मैंने वोटिंग भी की थी, बट 13 फिर सॉरी 11 फिर 12 मैंने नहीं देखा, बिकॉज थोड़ा बहुत वो रहता है कि एक बार देख लो एंड यू डोंट गेट दैट. बट 13 का कुछ मेरे हस्बैंड का वो नी ऑपरेशन एंड ऑल चला, तो फिर हम उसी में बिजी हो गए. तो देख नहीं, बट ऐसे नहीं चलेगा रुचा जी, हम ये अलाउ नहीं करेंगे. आप स्पाइडर वीक का वो लाइक पैच अप देख के फिर स्पाइडर वीक नहीं देख सकते, वो नहीं चलेगा. नॉट अलाउड है. नहीं अभी इसीलिए नहीं, बट अभी मैं पूरा देख रही हूँ. अभी आपके डिकॉर्डिंग के हिसाब से आई जस्ट गो वॉच आफ्टर मेरा रात का. मेरे हस्बैंड को भी पता है कि उसको 2 घंटे ना आई डोंट हैव टू डिस्टर्ब हर आफ्टर आई पुट माय किड्स टू द बेड. मेरा 9:30 से 11:30 का ठीक है. हाँ नहीं, डिकोडिंग भी ठीक है. डिकोडिंग क्या है, थोड़ा आराम आराम से चल रहा है ना, बिकॉज मैंने पहले ही सबको बोल दिया था ये हमारे जो 3-4 हफ्ते हैं जो बहुत लाइक खराब वाले थे वहां पे कि मैं सबर सबर से और सिडनास के हिसाब से बोलूंगी, तो वो भी एक तरह से सॉफ्ट वर्जन है. जो रियल था ना, जो हमने लाइव देखा था, जब अरे आई कांट इमेजिन, मैं जब मैं वर्क फ्रॉम होम के बहाने बनाती थी कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम और सारी रात मैं रोई हूँ, यार शहनाज रो रही है, मतलब जेलसी वीक, मतलब वो दैट वीकेंड का वो वीकेंड मैंने कुछ काम नहीं किया. आई वाज सो इरिटेटेड विद द चैनल कि मतलब वहां पे मोर्चे लगे हुए थे, फैंस पहुंच गए थे यू नो फिल्म सिटी के स्टूडियो के बाहर. हाँ मैंने वो सुना, आई थिंक आपके किसी के डिकोडिंग में क्या हुआ. आई मीन आई बट मुझे यू नो जब हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा ना तो ये दोनों वापस भी तो आएंगे, तब भी कुछ होगा, तब मैं देखूंगी. नहीं आई एम जस्ट आई एम जस्ट किडिंग. आई एम जस्ट सेइंग कि ये हम अभी ये सब कर रहे हैं ताकि हमको एक्चुअल लाइक हमारे वर्जन से देखें सिडनास, बिकॉज हमने उस टाइम पे इमोशनली देखा था. बहुत सहा है और चैनल ने बहुत दिमाग का दही किया है और ये कंटेस्टेंट्स ने बहुत दिमाग खाया है, इसीलिए अभी हम बदला ले रहे हैं चैनल को और बाकी के कंटेस्टेंट्स का, और उनकी बजा रहे हैं, उनकी गेम खोल रहे हैं बेसिकली. नहीं बट सही है बिकॉज बट आई मिस दैट पार्ट, बट आई डोंट नो हाउ आई वुड हैव रिएक्टेड टू दैट थिंग. बिकॉज कैन यू इमेजिन, एक मेरे हस्बैंड का ACL सर्जरी है, वो बेचारा चल नहीं सकता, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम वॉचिंग बीबी 13. नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. आपको इसी टाइम जुड़ना था, यस पर्सनली आपकी चीजें हो रही थी, इट्स ऑल गुड, आई एम जस्ट मेसिंग विद यू. No, but I miss that feel. एक बार मैंने live मैंने 2-3 बार पूछा भी है कि कैसे feel करते होंगे ना सब लोग, like मजा ही कुछ और रहता है. But हाँ वही, it comes with the good and bad both. But absolutely. But anyway, Aman का live बहुत लंबा हो गया. Yeah, it was nice talking to you. बस बात करनी थी एक बार आपसे. हमें निकालेगा अभी 5 मिनट में, अगर हम नहीं निकलेंगे. छोड़ कर कि दिल अभी मरा अभी ना जाओ. राधिका जी और रुचा जी और नवनीत जी, अभी और अच्छा लग रहा है, बने रहो. हमारे दिल से दिल तक का जो कनेक्शन है उसको अभी आप जोड़े रहे अपनी स्वीट स्वीट सिडनास की बातों से. नो अभी 30 मिनट लेफ्ट है. ठीक है.
अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं एक बात बताती हूँ, जैसे मैंने तो मैंने बोला ना, मैंने ये स्पाइडर वीक भी देखा था, बट मुझे वो ब्रेकडाउन वाला सीन पता नहीं था ना, वो तो फ्लो फ्लो में ही आया था बीच में. जैसे लड़ाई होती है तो पता रहता है ना कि पैचअप आएगा 2-3 एपिसोड के बाद, तो वो मैं पहले जाके इतना डिटेल में नहीं, बट मैंने देख लिया था कि हाँ पैचअप हो रहा है तो वो झगड़ा इतना इंटेंस नहीं लगता. सिद्धार्थ का ब्रेकडाउन एट द वेरी लास्ट ऑन दैट. अच्छा हाँ. That after that jail task. Got it. That was all of a sudden for me and I felt it. And probably that was real for me. Like मुझे कुछ नहीं पता था and that scene I lived like and I've watched it like 1,000 times. Like कैसे कोई कर सकता है ना ऐसे, लाइक सो स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा एंड ऑन नेशनल टेलीविजन, बिकॉज़ ही वाज वेरी कॉशियस ऑल द टाइम. इसीलिए मुझे लगता है कि रियल, लाइक रियल कैसे कोई कर सकता है. आपने देख लिया लाइक डिड यू वॉच द होल यस यस सीजन? हाँ देख लिया ना. हाँ वो तो ओके ओके. और फिर थोड़े थोड़े एपिसोड जो मुझे अच्छे लगते थे वो भी मैंने वापस से देखे, बट अभी डिकोडिंग के बाद आई एम वॉचिंग एवरी एपिसोड एंड आपके okay. जैसे जैसे जा तो रहा है इसे सर. तो आपके आपने पहले क्या देखा, अभी जैसे आपने अब्दुल्ला का बोला, ऐसे कुछ और हुआ जैसे आपको अलग लगा कि यार मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं, या आपको लगता है कि हमारा एनालिसिस कुछ जम नहीं रहा है, या कुछ आपका क्या बाकी कंटेस्टेंट का भी मैंने बोला ना, जैसे कैसे होता था ना, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैंने देखा तो वही था कि एक सीन में यू डाउट दैट पर्सन, लाइक यू रियली डाउट, बट दूसरा एपिसोड में इट्स डिफरेंट, तो फिर वो डाउट चला जाता है. जैसे वो जो गौतम वाला वीक था, तो उसमें शहनाज ने वो जो फ्रील वाला गाउन पहना था, तो उसमें देन शी कम्स एंड हग्स सिद्धार्थ एंड तब आरती का फेशियल एक्सप्रेशन वाज डेफिनेटली बिकॉज इट वाज सो अप्रोप्रिएट दैट शी वाज जेलस है ना. तो उसके पहले के एक दो एपिसोड्स और सीन बहुत अच्छे थे, दैट कि जैसे जेलसी वाले में उसको उसके साथ सो रही है लॉन पे और उसको समझा रही है, फिर ये वाला सीन आया तो मुझे फिर वहां पे भी डाउट हुआ था कि is she really happy for them or is she not. फिर वो निकल गया तो इतना डीपली नहीं गई मैं, तो फिर मुझे लगा कि मे बी मे नॉट बी. फिर जब उनका एक्चुअल फिर वो पूरा फाइट चला स्पाइडर वीक वाला, फिर स्पाइडर वीक की फाइट के बाद उनका अच्छे से पैचअप हो गया, फिर दूसरे दिन सुबह जब उसका बर्थडे था तब वो और रश्मि दोनों काउच पे थे एंड देन शी वाज सेइंग दैट कि सिद्धार्थ ना ऐसे ऐसे मस्ती करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तब वापस मेरे दिमाग में आया कि इज शी जेलस, डिडंट शी लाइक इट कि उनका पैचअप हो गया. तो वैसे वैसे ऑन एंड ऑफ चलता रहता था फॉर एवरीबडी, बट आई थिंक आपका कहना सही है बिकॉज चैनल ने उस तरीके से पोर्ट्रेट किया ना कि उन वो डाउट लंबा नहीं रहता था बेसिकली, विच वॉज ऑब्वियस टू सी समटाइम्स, बट फिर दूसरा सीन ऐसे आ जाता था जैसे वो अभी डिकोडिंग में पता चल रहा है कि इंटेंशन क्या है, बट जैसे आप ऊपर ऊपर से देखो ना तो मुझे लगता था कि अच्छा नहीं ये तो अच्छी है, फिर दूसरे में नहीं यार ये तो वैसी है. ये ऊपर ऊपर का ही तो झोल हो गया पूरा, ऊपर ऊपर से ही पूरे फैंडम्स बन गए और exactly. से ही लोग अभी भी रोटियां सेक रहे हैं, ये ऊपर ऊपर का ही झोल है पूरा. और रश्मि का भी वैसे होता था मेरे साथ, रश्मि कभी कभी बहुत वो एज वेज वाला बहुत बोलती थी, तो तब मुझे रियलाइज होता था दैट वैसे वो कैमरा के लिए कर रही है उसको, फिर कभी कभी वो उससे अच्छी बातें करती थी, बट अभी आपके डिकोडिंग से पता चलता है कि दे वर गिविंग द नैरेटिव टू द ऑडियंस एंड ऑल, बट आई थिंक उस हिसाब से सोचा नहीं उस टाइम. चलो होप सो अब आपके माइंड में बिल्कुल रिफ्रेशमेंट होगी डिकोडिंग सुनने के बाद. ओह यस यस एंड इट्स वंडरफुल एंड आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दैट.
I'm glad. चलो करते हैं फिर. अगर आप लाइफ पे हो स्नेहा, हाँ स्नेहा लाइफ पे है. स्नेहा अगर आप लाइफ पे हो लेट्स टॉक टुनाइट. हम फिर मैंने फाइनली संडे का देख लिया और नोट्स बना लिए. मेरा संडे हो गया. मैं अभी अनसीन लिख रही थी और चाय बना रही हूँ. प्रतिमा गुड. अनसीन करते हैं फिर. मेरा एक अनप्लग करती हूँ मैं कब तो इसी हफ्ते. फिर बात करते हैं. टाइम पूरी दुनिया आती है. एग्जैक्टली ठीक है. सो विल प्लान आउट दिस वीक एंड फिर अमन को बोल देते हैं. या अपना शेड्यूल बता देना, हम उसी वक्त रेडी रहेंगे. ये वाला अभी हाँ ठीक है. साउंड्स गुड स्नेहा. बट ये वाला हफ्ता बहुत फन वाला हफ्ता है. ये शादी के झोल के बाद ना हमको टीचर वीक मिलेगा और वो पूरे उनके अनसीन्स मिलेंगे. बहुत अनसीन्स है जब सिद्धार्थ वो बनता है कैप्टन बनता है. और शहनाज बोलती है वाइस कैप्टन के कभी ख्वाब भी नहीं देखे थे. नींद नहीं लगी. तुम छोटे बच्चे, मैं बड़ा बच्चा. वो सारे अनसीन्स. ओ माय गॉड, अनसीन्स का भंडार है ये टीचर वीक में. बहुत सिडनाज मोमेंट्स है. अभी मेरे को लगता है बिटवीन शादी वीक एंड टीचर वीक मुझे लगता है 200 तक हो जाएंगे हमारे. इजी इतने हैं. सो वाओ, दिस इज ह्यूज. मजा आने वाला है बिकॉज उनके वो स्विमिंग पूल वाले, वो जो गार्डन एरिया के जो सीन्स हैं, फिर वो जिम एरिया में जहाँ पे वो वेट्स करता है वहां पे वो बैठ के उसका लुक दे रही है, वो है. कितने सारे अभी हमने शादी टास्क के अनसीन्स भी तो कहाँ किए हैं. सो अमेजिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ अनसीन्स. So, yeah. विद्या जी कह रही हैं टीचर वीक क्लिप्स वर माय इंट्रोडक्शन टू सिडनाज एंड बीबी 13. मेरा भी वही था बिकॉज मैंने जब बीबी देखा था तो मुझे पता था बट देन आई हैड अ स्पार्क विद दैट थिंग दैट वही वाला टीचर्स वीक वाला. फिर मुझे लगा कि हाँ मैं बिकॉज मुझे पता था ना दैट इट्स अ लव. तो मैं बोलती कहाँ पे है लव, हुआ क्यों नहीं, देख क्यों नहीं रहा. बट अभी बट डिकोडिंग के बाद तो मुझे समझ में आ गया ऑल दो स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स एंड ऑल दो थिंग्स बट वेरी प्रोमिनेंटली आफ्टर दिस दैट थिंग टीचर टास्क में वो जो एपिक सीन. अमन प्लीज एड मी ऑन टेलीग्राम. साइला JATR क्या कहते हैं, मेरा आप प्रोफाइल में जाओगे हाईलाइट स्टोरी में मैंने स्वाइप अप लिंक डाला हुआ है, आपको बस स्वाइप करना है और आप ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है. स्नेहा जी का भी सेम है, मेरा भी. I saw that promo of running around the house. Yeah, Leela ji, मैंने देखा है उसका वो एक सीन जो मोमो ने बोला है. यार मोमो ने और गंदी चीजें बोली है, इससे ज्यादा गंदी चीजें बोली है. उसको नेशनल टेलीविजन पे है, इंटरव्यू दे रही है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बंदी है ही वैसी. सो अभी देख लिया ना, अभी इसमें नई बात क्या है लीला जी, हमने देख लिया वो बंदी कैसी है. हमने जितना वो उसकी जो रियलिटी है वो किस लेवल पे है वो तो हमने देख ही लिया ना बिग बॉस में. उसमें नया कुछ भी नहीं है. लिटरली आई एम टेलिंग यू,
don't expect anything, we shouldn't expect anything different from her. We should expect that only. और वो उसकी लैंग्वेज ही वैसी है. उसने बहुत एक अनसीन जो मैंने पूरा वर्बेटम नहीं बोला है, ये अनसीन का ये लाइक टनल टास्क वाले बाद वाले अनसीन का था, ओएमजी के साथ वो कपड़ों का जो होता है ना, वो कपड़ों का उसमें था वो अनसीन. वो बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करती है और उसने शहनाज के लिए कितनी गंदी चीजें बोली हैं, मतलब बहुत ही गंदी चीजें बोली हैं. तो ये मुझे नहीं लगता मोमो टीआरपी के लिए कर रही है. मोमो की जुबान ऐसी है, मोमो की सोच ऐसी है, मोमो बंदी ऐसी है, उसको नॉर्मल अच्छा बात करना नहीं आता है. सो मुझे देखना नहीं, आप लोग मत देखो, मतलब सॉरी आपको देखना है देखो, आपको जो करना है करो, बट आई हैव सीन इनफ ऑफ मोमो. मतलब मैं अभी टीवी ऑन करके उसकी नेगेटिविटी क्यों देखूं? शी हैज नथिंग टू ऑफर इन माई लाइफ. मैं उससे कुछ सीखने वाली नहीं हूँ. माई लाइफ विल नॉट बी एनी मोर प्रोडक्टिव सीइंग हर. एंड देयर इज नो पॉइंट फॉर मी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम वॉचिंग हर. मैं अभी सिर्फ सिडनास के लिए जो BB13 का डिकोडिंग कर रही हूँ अभी, उसमें मुझे वो अभी मेरे को कोई चारा नहीं है ये लोगों को देखने का, इसीलिए मुझे देखना पड़ रहा है. बट बाय चॉइस, इफ आई हैड अ चॉइस, आई विल नेवर वॉच मोमो, ओएमजी, अब्दुल्ला लाइक एवर. ना उनका इंटरव्यू अगर वो लोग इनके बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली, बट उनका शो, उनका इंटरव्यू, उनका कुछ भी, मतलब दे इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस. वो आपकी चॉइस है, आपको देखना है देखो, फिर एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो? फिर आप एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो, बिकॉज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कुछ बोलेगी? नहीं, कुछ अच्छा बोलेगी? नहीं बोल सकती वो. अगर चाहेगी भी तो नहीं, अगर कैमरास के लिए भी बोलना चाहेगी ना, वो नहीं बोल पाएगी, बिकॉज उसकी सोच इतनी एक तरह की है कि शी कैन नॉट से एनीथिंग नाइस, बिकॉज वो अच्छा सोचती ही नहीं है. ये लोग अच्छा सोचते ही नहीं है. सिद्धार्थ और शायद दे आर जस्ट सो एनॉर्मसली सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश दैट वो किसी और के बारे में अच्छा सोचो, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. दे आर जस्ट टॉकिंग. अभी ये यहाँ पे मोमो क्यों बोल रही होगी मुझे पता नहीं है इसका कॉन्टेक्स्ट, बट जितना मैंने उसको समझा है वो क्यों बोल रही है, वो बेसिकली वहां पे अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही है कि अच्छा ओएमजी ने भी किया है, मैं वो इतनी देवी बन रही है, वो कोई देवी नहीं है, वो और मैंने दोनों ने किया है. मतलब इट इज बेसिकली टू से हुज द बिगर बिच बिटवीन ओएमजी एंड, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट यू नो, सबसे ज्यादा इविल कौन है? वो दोनों ही इक्वली इविल है, बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए लाइक सिद्धार्थ को बीच में ला रहे हैं. मतलब वो भी दे हैव नो रिग्रेट इन देयर माइंड अबाउट व्हाट दे हैव सेड, करेक्ट? सो आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, और या अगर आपके पास अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, है ना, और अगर आप ऐसी देख रहे हो कि ऐसी आपके आंखों के सामने आ गया, यू नो, चलो कोई ट्वीट आ गया, किसी ने मैसेज कर दिया, किसी ने कुछ रील भेज दी, है ना, अगर आप यू नो BB15 भी नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, किसी ने देख भी लिया, हाँ देख के बस उसको, मतलब टेक इट इजी. वो जैसे टेफ्लॉन नहीं होता, जैसे अपने पैंट्स पे जो लाइक टेफ्लॉन का लेयर होता है, जो नॉन स्टिक का लेयर होता है, आप कुछ भी डालो उस पे चिपकता नहीं है, राइट? वैसे अपने आप को लाइक बना लो, यू नो, टेफ्लॉन बना लो अपने आप को, ताकि बिकॉज ये लोग और कुछ कर ही नहीं सकते. सो डोंट फील बैड बिकॉज मतलब अभी आप यू नो रास्ते पे चल रहे हो एंड यू सी अ कॉकरोच. आप कॉकरोच से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कॉकरोच से आपको गंदा ही लगेगा, देख के गंदा ही लगेगा. आप उसको हाथ में लेके सहलाओगे थोड़ी,
या कॉकरोच कुछ अच्छी चीजें करेगा, नहीं करेगा, कॉकरोच कॉकरोच ही रहेगा, वो वही है, उसका लाइफ ही कॉकरोच है. तो अभी हम, सॉरी मैं ज्यादा ज्ञान, आई एम साउंडिंग लाइक ज्ञान, बट दिस पीपल वी हैव सीन देम इन 13, देयर इज नथिंग डिफरेंट. वो लोग कुछ नया नहीं करेंगे, वो वैसे ही है और वैसे ही रहेंगे. सो देखो, अगर आपके आंखों के सामने आता है तो देखो, बिकॉज यू कांट अवॉइड इट, बिकॉज आपने आपको किसी ने भेजा है या आप कुछ यू नो ट्विटर पे देख रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो बस उसको लाइक टेफलॉन जैसे वो कर दो कि हाँ बस उसमें नया क्या है, ये यही करेगी या ये यही करेगा, इसमें क्या है, मूव ऑन. बिकॉज जैसे सिद्धार्थ यू नो बोलता है ना कि कोई कुछ कहने से हम वैसे थोड़ी बन जाते हैं, राइट? तो इट्स लाइक दैट. हाँ बुरा तो लगता है, डेफिनेटली बुरा लगता है, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बिकॉज व्हेन डू यू फील बैड इज व्हेन यू हैव एक्सपेक्टेशंस, दैट्स व्हेन यू फील बैड. सो वो थोड़ा डिटैच हो जाओ और चिल करो, बिकॉज दे आर रियली नॉट वर्थ आवर एनर्जी, दे आर रियली नॉट वर्थ इट. और वो ऐसे कैसे बोल सकती है, वो नीचे कैसे गिर सकती है, गिरा हुआ बंदा, जो बंदे का लेवल ही वो है, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा. और हमने देखा है, उन्होंने खुद ने प्रूव किया है कि वो ऊपर नहीं चढ़ेंगे. तो फिर हम एक्सपेक्ट करने वाले हम बेवकूफ बनते हैं, करेक्ट? सो एनीवे, आई विल जस्ट पॉज हियर. आई एम प्रोबेबली रीइटरेटिंग माय सेल्फ, सॉरी फॉर दैट. बट थैंक यू सो मच राधिका जी, आप आई आज, और होप सो आप अच्छा फील कर रही होंगी हमारे साथ ज्वाइन करके. मैं फील कर रही हूँ, मैं अच्छा फील करती हूँ डेफिनेटली, बट शायद लोगों को बोर हो गया. बट यार मैं यही कह रही हूँ, फील मत हो जाओ बीबी 15 14, ये गंदी बोलते हैं यार, छोड़ दो इनको यार. अब तो वैसे भी खत्म हो दिन बाद, सो छोड़ दो. नॉट वर्थ इट. अभी हम डिकोडिंग चालू करेंगे, नेक्स्ट लाइव होगा स्नेहा और मैं बात करके ना शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज का यहीं पे बाइंड अप करते हैं गाइस, सुबह के 4:30 बज गए इंडिया में भी. और थैंक्स रुचा जी, आप फर्स्ट टाइम आई लाइव में. और थैंक्स टू यू अमन, यू लेट मी बी इन, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग विद एवरीबॉडी. नवनीत, राधिका जी, थैंक्स फॉर दैट. या आपको नाइस मीटिंग यू, लाइकवाइज. लाइव का, लाइव में स्पीकर बनने का एक सर्टिफिकेट देते हैं सिद्धार्थ साथ में, खुश है कहां आज से आप हमारे लाइव की स्पीकर बनती हैं. थैंक यू, आई एम ऑनर्ड. संभाल लिया विद्या जी के साथ. विद्या जी को भी थैंक यू, नव्या भी थी लाइव में, रुचा जी भी जुड़ी, राधिका जी भी जुड़ी, बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा.